All my champions, what's up? Very, very warm welcome to the session Trigonometry Lecture 4 and very good afternoon, good evening. खुश रहो, मजा करो, जिंदगी में सीखते रहो. And आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है a sin theta plus b cos theta, ये अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि इस चैप्टर में भी काम आएगा और आगे जाके और चैप्टर्स में भी काम आएगा. एंड ऑफ कोर्स ये जो मैक्स मिन वैल्यूज लिखी हैं वो भी इसी के कंसर्न में लिखी गई हैं. तो व्हाट इज दिस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, आज इसको एक्सप्लोर करेंगे. इसका काफी एप्लीकेशन है, वो भी हम आज देखेंगे. एग्जैक्टली हैशटैग पॉजिटिविटी, खुश रहो एवरीबॉडी. लिमिट्स कब स्टार्ट होगा बेटा? लिमिट्स तो काफी लेट आएगा 11th में. 11th का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. ओके, सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो. एज अ यूजुअली से सबवे सर्फर स्क्रिबल, सो सब्सक्राइब. देर किस किस की है बेटा? आपको यहाँ पे डेली 4 o'clock जो है 4 to 6 p.m. के बीच में सेशन होता है, जहां पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा बेसिक से एडवांस लेवल तक. एंड जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके डीपीपी का टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशन एंड बेस्ट पीवाईक्यू किए जाते हैं रात को 8 बजे आफ्टर एवरी चैप्टर. तो इस पैटर्न पे चलता है. एंड ये मत भूलना आपका सीबीटी मोड में टेस्ट भी होता है जब 2-3 टेस्ट चैप्टर कवर हो जाते हैं. यस, यू हर्ड मी राइट, सीबीटी मोड में टेस्ट होता है, प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जिसका कि लिंक आपसे शेयर किया जाता है टेलीग्राम के चैनल पे. जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ, नहीं किया तो फटाफट कर लो, उसके थ्रू आप टेस्ट देते हो. इस संडे भी आपका टेस्ट था, आई होप आप सबने दिया होगा. रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाता है, मेरे ख्याल से कल या आज शाम को आपके अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. ये पूरे हफ्ते का शेड्यूल है. गॉड ब्लेस यू ऑल. ये इस पूरे हफ्ते का शेड्यूल है जहां पे आज हम ये कर रहे हैं. यहाँ पे आज फ्राइडे तो नहीं है बेटा, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? सॉरी, ये लास्ट वीक का शेड्यूल लगा दिया गलती से मैंने, क्योंकि ये सेशन कैंसिल हुआ था पिछले हफ्ते में, तो मैंने गलती से वही शेड्यूल यहाँ लगा दिया. ओहो, इसको इग्नोर करो. ठीक है, मैं नया शेड्यूल लगवा दूंगा आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे भी और कम्युनिटी पे भी. ठीक, रिजल्ट आ गया है. ओके, दैट इज ग्रेट. मैं आज ही चेक करता हूँ आज रिजल्ट कैसा आया, इस बार तुमने कैसा किया है. ओके, जैसे आप यहाँ पे तैयारी करते रहते हो, हम 5-6 टीचर्स हैं अलॉन्ग विद द टीम ऑफ चैनल मैनेजर्स, द टाइपिस्ट, द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हु क्रिएट कंटेंट, वी हेल्प देम, दे हेल्प अस. इसी तरह से मोर देन अ टीम ऑफ 1000 पीपल वर्क फॉर यू ताकि आपका रिजल्ट आए. अगर फिजिक्स मिस्ट्री मैथ की बात करूं तो अबाउट 20 टीचर ज्यादा मैथ में है, 20+ टीचर फिजिक्स में है एंड अबाउट 30+ टीचर केमिस्ट्री अलॉन्ग विद द टीम ऑफ मोर देन 1000 पीपल फ्यू वर्किंग फॉर टेक्नोलॉजी. यू ऑल नो दैट वी हैव पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जहां पे आपको पढ़ाया जाता है एंड मोर देन अबाउट 200 पीपल इन ऑपरेशंस हु मेक श्योर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका शेड्यूल, आपका ग्रीवेंस, कोई भी प्रॉब्लम ना आए. कंटेंट का टीम अबाउट मोर देन 300-400 पीपल हु गो ऑन क्रिएटिंग एंड ब्यूटीफाइंग द कंटेंट, मेकिंग द टफ कॉन्सेप्ट्स इजी फॉर यू, एडिंग द ट्रिक्स फॉर यू ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए. और उसी के चलते रहते ये सारे रिजल्ट वेदांतु पे आते हैं, जहां पे 100% रेटिंग से ज्यादा है. एवरी 1 in 2 स्टूडेंट्स ऑफ वेदांतु क्लियर फॉर जेई एडवांस. यस, यू हर्ड मी राइट. और ये सब आपको करवाया जाता है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में. पोस्ट क्लास कंटेंट आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपके घर पे डिलीवर हो जाता है. फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, मेन पैटर्न, एडवांस पैटर्न, जिसके के डिस्कशंस होते हैं. आप क्लास के बाद डाउट ऐप से दिन भर डाउट पूछ सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक. क्लास में मास्टर टीचर तो पढ़ाते ही है, साथ में क्लास टीचर बैठते हैं जो कि आपका एक एक डाउट लेते हैं ताकि कोई भी डाउट रह ना जाए. यस, यू हर्ड मी राइट. यहाँ पे डुअल टीचर मॉडल रहता है, आपका कोई भी डाउट अनहर्ड नहीं रहेगा. राइट, एंड इसके साथ आपको वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिलता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं और बहुत टाइम से अमीर खान जी भी बता रहे हैं. वीआईपी, आई होप बाय नाउ यू हैव बिकम पार्ट ऑफ वीआईपी, एंड इसके थ्रू आप वो सारे रैंक्स ले पाएंगे जो मैं आपको यहां दिखा रहा था, क्योंकि इस रैंक्स की अब आपको गारंटी मिलती है कि आपके रैंक आएगा, नहीं आया तो कंप्लीट फी विल बी रिफंडेड. और क्लास का तुमको पता ही है, मजे से पढ़ा जाता है रेगुलर क्लासेस में. टीचर्स यहाँ बैठे होते हैं, आपको पढ़ा रहे होते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपको लिख के भी समझाते हैं एंड ऑफ कोर्स आपको टाइप्ड नोट्स भी मिल जाते हैं. तो जो टीचर लिख रहा है वो भी आपको मिल जाता है, आप बाद में डाउनलोड करके रख सकते हो. टाइम टाइम पे टीचर क्लास पोल करवाता है, कितने बच्चे यस कहते हैं, कितने नो कहते हैं. उसके बाद अगर किसी का डाउट रह जाता है तो बच्चे अनम्यूट होकर टीचर से डायरेक्टली बात कर लेते हैं.
या तो क्लास टीचर से पूछ लेते हैं या फिर डायरेक्टली टीचर से बात कर लेते हैं। क्विजिंग होती है रेगुलर क्लासेस में, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी इतनी बार क्विजिंग होती है, ताकि आप हर समय पूरा फोकस करके पढ़ते रहें और आपका भी टारगेट बने कि मेरे को ऊपर आना है, सही आंसर देने हैं, लीडर बोर्ड में नाम आना है, राइट। सो एवरी क्लास विल बी सो मोटिवेटिंग, सो इंटरेस्टिंग कि पूछने की हद ही नहीं। सो जितने बच्चे यहाँ बैठे होंगे वी प्रो के, वो बता सकते हैं कि कैसे रेगुलर क्लासेस में भी आप पे उतना ही या तो उससे भी ज्यादा जोर लगाया जाता है जितना हम यहाँ पे लगा पाते हैं, क्योंकि वहां पे टीम थोड़ी बड़ी है, हमारी टीम थोड़ी छोटी है। पर यस, जोर हमने पूरा लगाया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा जो दोस्त है मोहित सर, कल उन्होंने 11 घंटे 49 मिनट का सेशन लिया है। डू यू नो दैट? बताओ कितनों को पता है। यस्टरडे योर फ्रेंड मोहित सर टुक 11 hours 49 minutes का सेशन कंटिन्यूअसली फॉर JEE 2021 स्टूडेंट्स। तो ये क्रेडिबिलिटी है जो आपको वेदांतों में प्रोवाइड करते हैं। वी एक्चुअली वरी फॉर यू, हमें पता है इस समय जो JEE 2021 के बच्चे हैं, अनदर वन वीक एंड दे हैव देयर JEE का थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट, तो वी आर डूइंग डे लॉन्ग सेशंस। भैया मैं बताऊं, सही बताऊं, डे बिफोर यस्टरडे आई डिड, नहीं दो दिन पहले आई डिड 6 hours 21 minute सेशन। मेरे को लगा भैया मैंने तो आज बढ़िया काम कर दिया, बच्चों को पूरा सिलेबस समझा भी दिया, थोड़ा जोर लगा पर ठीक है, बच्चों को समझ आ गया, बच्चों का रैंक इंप्रूव होगा, वी आर हैप्पी विद दैट, दैट इज व्हाई वी आर हियर ऑन YouTube, नो राइट। लाइक काफी बच्चे पेड पे पढ़ते हैं, काफी बच्चे YouTube पे पढ़ते हैं, वेदांतु का काम है जो हमसे पढ़ता है हम उनको बेस्ट वे से सर्व कर पाए और ऊपर लेके जाए। तो मेरे को लगा भैया आज का दिन तो सफल हो गया, बढ़िया, क्योंकि एज अ टीचर ऑल्सो हमको लगता है हमने अच्छा काम किया, बहुत बच्चों की हेल्प की। बट जब कल मोहित सर ने सेशन लिया, मेरे को तो शर्म आ गई अपने आप पे। मैंने सोचा मैं 6.5 घंटे लेकर खुश हो रहा था कि मैंने बच्चों का बहुत फायदा कर दिया, काफी चीजें बता दी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस मैंने रिवाइज करवाया अलॉन्ग विद अबाउट 70+ क्वेश्चंस इन वन सेशन, थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड 75 के आसपास क्वेश्चंस। कल जब मोहित सर शुरू हुए भाई, वो तो खत्म ही ना हो रहे थे उनका, तो मैंने कहा शुरू हुआ सेशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो बीस्ट ओपी हो गया था, बिल्कुल बीस्ट मोड में आ गए थे। और वो भी मुकाबला नहीं है, आज फिर वो बड़ा सेशन ले रहे हैं, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग फिर से कम से कम 6 to 7 hours से ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि आज वो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, समझ लो। तो ये एक कमिटमेंट लेवल है वेदांतु में, ये आप याद रखना, ठीक है। तो वेदर यू आर हेयर ऑन यूट्यूब और ऑन पेड प्लेटफॉर्म, आप पूरे निश्चिंत होकर अपना फोकस करिए, क्योंकि पूरी टीम आपसे ज्यादा चिंता करती है आपकी, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाने वाले हो तो मैंने आपके लिए यहाँ पे डिटेल्स लिख दी है। ये 1 month का ट्रायल है, अगर आप 1 month ट्राई करना चाहते हैं उसके बाद आप फुल कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ये आपका बल्क पेमेंट है अगर आप पूरा 2 साल का पेमेंट एक साथ देना चाहते हैं। यस, ये पूरे 2 साल का पेमेंट है 11th क्लास के लिए, जो 11th का बच्चा है ना, 11th 12th टोटल फीस इतनी है 2 साल की, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा अलॉन्ग विद द VIP प्रोग्राम, यानी कि आपको गारंटी प्रोग्राम मिलने वाला है, गारंटी रिजल्ट आने वाला है। Yes, एक बार हैशटैग VLOP तो बनता ही है, वेदांतु लर्निंग ओवर पार्ट, क्योंकि मेरे को लगता कि इस लेवल का डेडिकेशन जो मुझे दिखता है अपने टीचर्स में, मैंने कहीं और देखा है ज्यादा। एक तो टीचर और मैं जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं, चाहे कि हमारे साथ वेदांतु पे नहीं और जगह काम करते हैं, बट आई हैव सीन दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। बट वेदांतु पे ऑलमोस्ट हर एक टीचर ही इस डेडिकेशन पे काम करते हैं, चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे हो, दिन रात वो बच्चों पे ही काम करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वेदांतु स्टैंड्स फॉर। तो इसके बारे में आपको कोई भी डिटेलिंग और चाहिए होगी तो सेशन के एंड पे हम और बात कर लेंगे, आप उसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि सर ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो क्या होती है, सर डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास आफ्टर क्लास का कैसे सिस्टम रहता है, पर्सनल मेंटर कैसे हेल्प करता है, इस बारे में हम सेशन के एंड पे पूरी आराम से बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन होता है, क्लिक करके आपने बस सेलेक्ट करना कि मेरे को ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे भाई का कोड अपने आप लग जाएगा AVK प्रो, तुम्हारा भाई प्रो है और डिस्काउंटेड प्राइस पे तुमको, बेस्ट प्राइस पे तुमको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक। शाबाश, गॉड ब्लेस यू फर्स्ट मार्शल। ओके, सो शुरू करें, एक बार चैट में आग लगा दो, एनर्जी हाई कर दो, फिर शुरू करने लगे आएगा सेशन। दैट इज वेरी गुड प्रत्यक्ष, वेरी गुड, ऑल इन वन बेटा, याद आप तो ऑल इन वन हो, आपको भी कैसे भूल सकता है। एग्जैक्टली एक बार बीस्ट ओपी भी बनता है यार, मतलब चाहे वो हमें इस समय नहीं देख रहे, वो सेशन ले रहे हैं समय, बट उनकी एक कह लो कि तारीफ करना तो भी बनता है, उनके बारे में एक बीस्ट ओपी तो बनता ही है, जिस डेडिकेशन से तुम्हारा दोस्त लगा हुआ है। मुझे पता है बेटा 11 घंटे और 49 मिनट पूरा पढ़ाने के बाद तुम्हारा शरीर चाहे फिर भी साथ दे दे बेटा,
पर गला जो है ना वो खत्म हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, अगले दो दिन तक बोलने की हिम्मत नहीं बचती, राइट। बट भाई आज भी लगा हुआ है, वो कल भी थे लगे हुए, आज भी लगे हुए हैं। सो एक बार बनता ही है 20 टोपी तो गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को पढ़ना है, उससे पहले दो तीन क्वेश्चन मल्टीपल एंगल फॉर्मूले के रह गए थे लास्ट सेशन के, पहले उनको खत्म करेंगे, मल्टीपल एंगल क्लोज कर देंगे और फिर हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सिर्फ क्वेश्चन से दो तीन वो रह गए थे, आओ उनको खत्म करें। एक ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है मल्टीपल एंगल का, फाइंड साइन ऑफ 18 डिग्री। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको हर एक बुक में मिलेगा, कॉम्पिटिशन तो खास ऐसा नहीं आया नो डाउट, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एग्जाम्पल आपको अगर पता हो, हमने जब कंपाउंड एंगल डबल एंगल चीजें पढ़ी तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ऐसे एंगल्स की वैल्यू निकाली थी, साइन 15 डिग्री, यस और नो? हमने साइन 15 डिग्री निकाला था सबसे पहले जब हमने कंपाउंड एंगल पढ़े। हमने क्या किया, हमें 15 तो नहीं पता बट हमें दो एंगल ऐसे पता है जो कि खूबसूरत है और वो 15 क्रिएट कर सकते हैं। यहां से हमने 15 क्रिएट किया, आ गया सबको याद, एग्जैक्टली। फिर हमने कॉस ऑफ 22.5 डिग्री निकाला। ये कैसे निकाला था, हमने देखा कि 22.5 तो अच्छा नहीं है बट इसका डबल बहुत अच्छा होता है 45। तो कुछ करके अगर मैं यहां से डबल एंगल में जा पाऊं तो बात बन जाएगी। तो हमने इस चीज को पिया हुआ है, एक ही फॉर्मूला है जो कॉस थीटा को 2 थीटा से रिलेट कर देता है, कॉस थीटा को 2 थीटा से रिलेट कर देता है। हमने ये फॉर्मूला लगाया और थीटा को रखा 22.5। जैसे ही 22.5 रखा थीटा को हमने, ये क्या बन गया, 1 + cos 45 is equal to 2 cos² 22.5। तो ये हमको चाहिए, ये हमको पता है, आंसर आ गया, चीजें याद आ गई, रिवाइज हो गया, हम ये पढ़ रहे थे, नाइस। अब इसी तरह से हम आगे चल रहे हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया साइन ऑफ 18 डिग्री बताओ। प्रॉब्लम क्या आ गई यार, 18 डिग्री को ना तो हम दो खूबसूरत एंगल्स के डिफरेंस में लिख सकते हैं और ना ही इसका डबल या ट्रिपल कुछ खास अच्छा होता है, तो कैसे निकाला जाए। अब ये सुनिएगा, बड़ा स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है, थीटा है 18 डिग्री और मेरे को साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। तो प्रोसीजर बहुत ही स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर क्या कहता है, इस थीटा का कोई मल्टीपल ढूंढो जो अच्छा है, माना कि 2 थीटा या 3 थीटा अच्छा नहीं है, कोई बड़ा मल्टीपल ढूंढ लो, राइट। 22.5 के केस में तो 2 थीटा ही अच्छा आ जाता है, 45। 18 के केस में शायद कोई बड़ा मल्टीपल अच्छा आ जाए, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 5 थीटा बहुत अच्छा है, अगर दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करें तो अच्छा एंगल बन गया, 5 थीटा इज 90 डिग्री। अब मैं चाहता हूं साइन निकालना, अब अगर सीधे साइन अप्लाई करूंगा बेटा इधर बनेगा साइन 5 थीटा, पर मेरे को साइन 5 थीटा नहीं, मेरे को साइन थीटा चाहिए। तो अगर मैं यहां पे साइन अप्लाई कर देता हूं, देखो ध्यान से, तो इस चीज को, इसको साइन थीटा में लेके आने में जान लग जाएगी, यू वाले ग्री, साइन 5 थीटा से साइन थीटा में आने में जान लग जाएगी। तो हमने सोचा थोड़ा सा स्मार्टली खेलते हैं, थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं, हमने क्या किया, एक एंगल यहां रख लिया, एक को उधर ले गए, जैसे कि 3 थीटा यहां रख लिया और 2 थीटा को उधर ले गए, ऐसे लेके जा सकता हूं। कोई बताएगा इसकी मोटिवेशन क्या है, मैंने क्यों 2 थीटा को इधर रखा, 3 थीटा को इधर रखा, सर क्योंकि फाइनली ना मेरे को साइन थीटा चाहिए। अब अगर मैं साइन अप्लाई करता हूं तो एक बनेगा साइन 3 थीटा और एक बनेगा साइन ऑफ 90 - 2 थीटा यानी कि कॉस 2 थीटा, और इन दोनों चीजों को मैं साइन थीटा में बहुत ही प्रेम से रख सकता हूं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से रख सकता हूं, यस और नो? 3 sin θ - 4 sin³θ और ये क्या बन गया, 1 - 2 sin²θ। पर्पस क्लियर हुआ, मेरे को फाइनली साइन थीटा चाहिए, ये याद रखना है आपने, फाइनली मुझको साइन थीटा चाहिए। तो मैंने इस तरह ब्रेक किया कि ये एंगल बहुत बड़े ना जाए और मैं इनको साइन थीटा में लिख पाऊं, वेरी गुड। जैसे ही ये लिखा मेरे को साइन थीटा में एक क्यूबिक मिल गई, साइन थीटा में एक क्यूबिक मिल गई, सब कुछ एक साइड पे लिख रहा हूं बेटा, 4 sin³θ - 2 sin²θ - 3 sin θ + 1।
अब इस क्यूबिक को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं है बेटा, बोलो ऑब्वियसली बात है, चाहो तो साइन थीटा को टी ले लो ताकि थोड़ा छोटा दिखे, मतलब आपको आदत है वैसे लिख रहा हूं। ये क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने टेंथ में पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने शायद बेसिक मैथ में भी पढ़ा था, क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते थे। सर जी फर्स्ट रूट ना बाय हिट एंड ट्रायल निकालते थे। एक रूट जब हिट एंड ट्रायल से मिल जाता है तो एक फैक्टर मिल जाता है, अगर अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा, तो बस फिर तो इसके फैक्टर बन ही जाएंगे। तो हिट एंड ट्रायल से रूट बताओ क्या, पहले ही बता देते तो मेरे बोलने से, वेरी गुड सर, हिट एंड ट्रायल से पता लग ही रहा है कि वन इसका रूट है। तो अगर टी को वन पुट करके ये जीरो बन रहा है, टोटली हिट एंड ट्रायल से हमने चेक किया वन रूट है, तो टी माइनस वन फैक्टर होगा। अगर एक फैक्टर मिल गया तो क्या दूसरा फैक्टर बना सकते हो? हाँ सर, डिवाइड करके बना देंगे, डिवाइड करके तो बना दोगे, पर क्या तुम ओरली डिवाइड कर सकते हो? लाइक दिस आई एम डूइंग इट ओरली, यार पहले तो 4t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 4t स्क्वायर बनेगा साइन चेंज करके प्लस 4t स्क्वायर, तो ये बना प्लस 2t स्क्वायर, फिर 2t आएगा माइनस 2t प्लस 2t, माइनस t आया तो माइनस 1। ऐसे ओरली कितने बच्चे कर लेते हैं, जो कर लेते हैं वेरी गुड, जो नहीं करते थोड़ा वर्क करो। ये तरीका कभी मैं डिटेल में समझाऊंगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे कर लेता हूं, तुम कर ले तो मैं बहुत खुश हूं। अगर इस एज पे 11th में तुम ये डिवीजन ओरली कर लेते हो तो वेरी गुड, कोई ट्रिक नहीं है, मैंने डिवाइड ही किया, बस सारा कैलकुलेशन यहां किया है, लिखा नहीं है बस, ओके ओके। सो यहां से टी आ गया वन, और यहां से दो रूट आ जाएंगे, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना बन गया भी 4 और 16 20 बाय 2a 8 और माइनस 2 माइनस रूट 20 बाय 2। तीन वैल्यूज आई साइन थीटा की, और तीन ही निकालना, फाइनली साइन थीटा निकालना है, टी क्या था साइन थीटा, तो साइन थीटा की तीन वैल्यूज आ गई। अब तुम मुझे बताओगे इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक है कौन सी गलत है, क्योंकि बेटा वैल्यू तो एक ही होगी ना, अब तीन तीन वैल्यू तो हो नहीं सकती, तीन तीन वैल्यू साइन थीटा की तो होंगी नहीं, एक ही वैल्यू है, साइन ऑफ 18 डिग्री एक ही नंबर हो सकता है। मुझे ये पक्का पता कि ये तो शर्याम गलत है, बिल्कुल ही गलत है, साइन 18 वन तो नहीं होता, डू यू ऑल एग्री, साइन 18 वन तो बिल्कुल ही नहीं होता, साइन 91 होता है यार। और मुझे एक और चीज पता है, ये भी पक्का गलत है, कौन बताएगा कि साइन 18 ये क्यों नहीं हो सकता, बताओ जरा साइन 18 ये क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, क्योंकि साइन 18 पॉजिटिव होगा, 18 इज एन एक्यूट एंगल, तो साइन 18 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो पक्का गलत है। तो माता रानी की कृपा से बेटा ए की वैल्यू बची है और वही हमारा आंसर है। एग्जैक्टली आपने इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर करना है, इसके दो तीन फायदे हैं, एक तो अपने यहाँ पे बड़ी स्टैंडर्ड सा एक वैरायटी है ये, दूसरा 2θ 3θ में और प्रैक्टिस हो जाएगी, तीसरा क्यूबिक से डर लगना बंद हो जाएगा अगर अभी तक लगता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आपने जरूर रिपीट करना है। गॉड ब्लेस यू चंद्रशेखर, गॉट योर मैसेज बेटा। अगला सवाल देखो जरा, ये वाला, फाइंड द रेंज। सर रेंज तो वैसे ही डर लगता है, ऊपर से आपने कुछ टैन टून लगा दिए, कहां पे हिलने वाला है सवाल, और ये बड़ा घटिया सवाल है। देखो आओ, रेंज पूछी गई है ना, ओके चलो पहले टैन 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं, सब कुछ टैन x में लेके आते हैं। टैन 3x होता है 3 टैन x माइनस टैन क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर x होल डिवाइड बाय टैन x। तो काटा पीटी करो, y क्या बन गया 3 माइनस टैन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर x। अब तुमको एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं 1 y इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसकी रेंज बता दो, बता सकते हो? बेसिक मेथड याद है, पहले x की वैल्यू निकालते थे y की टर्म्स में, ऐसे, और फिर कहते थे वो वाले y जिसके लिए x डिफाइंड हो वो y मेरी रेंज होते हैं। सबको याद आ गया, x विल बी डिफाइंड
if 1 minus y upon y plus 1 greater than equal to 0, यहां से जो y आता है वो आपकी रेंज होती है, सबको याद है? Oh, I love you too, Shira. God bless you. Right. तो हमने ये रेंज का बेसिक मेथड पढ़ा था फंक्शन में, कि जब भी किसी एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी होती है सबसे पहले x को y में लिखते हैं और फिर वो वाले y निकाल लेते हैं जिसके लिए x डिफाइंड हो। अब जरा ध्यान से सुनना, तुम्हें नहीं लगता कि यहां पे अगर मैं tan x को t ले लूं, tan x को t ले लूं, तो ये कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन बनेगा जो तुमको आता है? जरा बताओ, यस और नो? 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 टी स्क्वायर एंड tan x जो होता है, भी देखो अगर मैंने किसी चीज को t कहा है तो मुझे देखना पड़ेगा t पे कोई कॉन्स्ट्रेंट ना बैठा हो। जैसे कि अगर आपने sin x को t कहा होता तो बट ऑब्वियस है कि t माइनस 1 से 1 में लाई करेगा। टेल मी द चैट, यस और नो? टेल मी द चैट, यस और नो? राइट, अगर आप sin x को t लेंगे तो पक्की बात है भी t माइनस 1 से 1 में रहेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। बट यहां पे tan x को t लिया है, t पे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है क्योंकि tan x जो है वो तो खुला खुला सांड है बेटा, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी जाता है, तो t पे कोई कॉन्स्ट्रेंट ही नहीं है। आया मजा? एग्जैक्टली, ब्यूटी नाम भी कैसे रखते हो, ब्यूटी। ठीक है, तो यहां पे आपने कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, सीधे रेंज निकाल देनी है, यहां से t की वैल्यू निकालेंगे और उसको डिफाइंड बना देंगे। सबको आ गया याद? राइट, तो आपने क्या करना है, आपने tan x को k कह दिया, यहां से वैल्यू निकाल ली k की और अब बोला कि ये डिफाइंड होना चाहिए, तो y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबको कंसेप्ट समझ आ गया? सबको कंसेप्ट समझ आ गया? सर ये तो समझ आया, बट अगर sin x होता फिर क्या करते? अगर sin x होता, यहां तो tan x था तो कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं आया, राइट? यहां तो tan x था तो कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं आया। आपने कहा कि सर यहां पे ऐसा ले लो, t की वैल्यू निकाल दो, आप t निकालोगे तो आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 1 और स्टैंडर्ड मेथड रेंज का कहता है कि t डिफाइंड होना चाहिए। अब t डिफाइंड कब होगा? t विल बी डिफाइंड इफ ये अंदर की चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहां से y आ गया आपका आंसर, बट अगर मेरा t माइनस 1 से 1 में होता, जैसे कि मान लो सवाल ये होता, y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, कुछ ऐसा होता, राइट? या फिर थोड़ा आसान कर दे ताकि समझने में टाइम ना लगे, कुछ ऐसा होता, फिर हम रेंज कैसे निकालते? सर जी साइन x को t तो कह देते, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, और यहां से बन जाता y इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t, यहां से t को निकाल भी देते, सर जी वो आ जाता y प्लस ty इक्वल टू 1 माइनस t और t की वैल्यू आती 1 माइनस y अपॉन y प्लस 1। इसके आगे क्या करते हैं? इसके आगे क्या करते हैं बोलो? इसके आगे क्या करते हैं? अब t डिफाइंड होना चाहिए, इसे यूज करके y कैसे निकालते हैं? एक बात बताओ, आई शाबाश, वेरी गुड गणेश, डू यू एग्री? तुमने टी बोला था साइन एक्स को, तो ये बना साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 1। रेंज क्या होती है? वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये चीज मान लो 10 हो जाए, मान लो 10 हो जाए तो क्या एक्स डिफाइंड है? टेल मी इन द चैट, अगर ये चीज मान लो 10 हो जाए तो क्या x डिफाइंड है? नो सर, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ही डिफाइंड नहीं है। एग्जैक्टली, तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? आप कहोगे x will be defined इफ ये जो चीज है वो -1 से 1 के बीच में हो, यस और नो?
और शाबाश प्रत्यक्ष, वेरी गुड। तो यहां पे एक्स डिफाइंड होगा अगर ये चीज माइनस वन से वन के बीच में है, अगर इसके बाहर चलेगी तो एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से जो वाई मिलेगा वो आपकी रेंज होगी। ऐसी दिक्कत यहां कोई नहीं आई क्योंकि यहां पर जो टी था वो टेन एक्स था और टेन एक्स पे कोई कॉन्स्ट्रेंट ही नहीं है, टेन एक्स खुला सांड है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। आई शाबाश, ग्रेट। अब देखो आज का टॉपिक शुरू हो रहा है। ये दो क्वेश्चन थे जो लास्ट सेशन में रह गए थे, तो आज हमने इसको कवर कर दिया। जेईई क्रैक कर सकते हैं, वे करो करो, क्यों नहीं करना बेटा। तुम जेईई भी क्रैक कर सकते हो, तुम पहाड़ भी चढ़ सकते हो, तुम अकेले पैदल चल के पूरी धरती का चक्र भी लगा सकते हो। इट्स अबाउट कि क्या तुम करोगे या नहीं, इट्स अबाउट दैट। आओ, सो नाउ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में हमने कुछ स्टडी करना है। देखो तुम देख रहे हो टीचर की आदत, फ्लो फ्लो में सॉल्यूशन लिख दिया, भाई क्वेश्चन तो है नहीं, सॉल्यूशन लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, होता है बेटा ऐसा। इस टॉपिक में पढ़ना क्या हमने, राइट? हमने इस टॉपिक में दो चीजें पढ़नी है। जो पहली चीज है, पहले उसके बारे में एक आइडिया देता हूं। जैस्मिन इज सेइंग माय वॉइस इज क्रैकिंग, बेटा एक बार कंफर्म करो मेरी वॉइस क्रैक कर रही है या ओके है, जरा बताइए मेरी आवाज क्रैक कर रही है या ओके है। रोनित बता दो बेटा, ओके 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 है। सिर्फ एक दो बच्चे कह रहे हैं क्रैक हो रही है, बाकी सब कह रहे हैं ओके है। बेटा फिर वो जो एक दो बच्चे वो रिफ्रेश करो, उनके एंड पे कोई डाउट प्रॉब्लम होगा। ग्रेट, आ जाओ। हमने एक एग्जांपल से एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान समझना। साइन थीटा, तुम क्यों ओपन हो गई यार, तुम्हें किसी ने ओपन होने को कहा था अभी तक? रुक जाओ। हाँ, साइन थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा, ओके। इस एक्सप्रेशन को जरा देखो। अच्छा, जब मूव कर रहा हूं तो क्रैकिंग हो रही है, अच्छा ये तार थोड़ी सी छोटी तो है। तो रुको फिर मैं जुगाड़ करता हूं, प्यारा सा जुगाड़ करता हूं। रुको 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 रुको, इसकी मूवमेंट को हम रोक देंगे। रुको, ये लो, रुको, ऐसे करके ना हम ये जो माइक है यहां रख देंगे हवा में ऐसे। अब ये माइक मूव ही नहीं करेगा तो क्रैकिंग भी नहीं होगी। आगे बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर नहीं, मैं वाईटी से पूछ रहा हूं, वाईटी से क्रैक कर सकते नहीं कर सकते। बेटा मैं तुम्हें ही जवाब दे रहा हूं, तुम पहाड़ भी चढ़ सकते हो अकेले, तुम पूरी धरती का चक्र भी अकेले लगा सकते हो, बात है कि तुम करोगे या नहीं, राइट? तो बात है कि तुम करने वाले बनो बेटा, करने को तो तुम अकेले घर पे बैठ के भी पढ़ के कर सकते हो, किसी वाईटी की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, बात है कि तुम करने वाले हो या नहीं। हम यहां पे आते हैं ताकि आपको हेल्प कर पाए, जो बच्चे कोशिश करते हैं वो पढ़ पाए, राइट? करना तो तुम ही नहीं बेटा, आ जाओ। So, sin theta plus root 3 cos theta. मैं ना दो तीन स्टेप्स करूंगा अभी फॉलो, आप देखो कि वो स्टेप्स ठीक है या नहीं, सिर्फ उन स्टेप्स को देखना, राइट? आ जाओ, मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। क्यों कर रहा हूं ये मत सोचो, पर ये सोचो कि जो कर रहा हूं ना वो स्टेप्स लेजिटिमेट होने चाहिए, सही होने चाहिए, ओके? सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये चीज जो है इसको मैं cos of 60 डिग्री लिख दूं, चलेगा? हाँ सर चलेगा, हाफ इज cos 60। अगर मैं कहूं कि इसको मैं sin 60 लिख दूं, चलेगा? तुम कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, क्यों लिख रहे हो सर पता नहीं, बट लिख सकते हैं, ओके सर। तो ये बना 2 into sin theta cos 60 plus cos theta sin 60। तुम एक चीज देख लो, यहां पे एक फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो ये बना 2 times साइन ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा हां सर लिख सकते हैं। तो तुमने एक बात ऑब्जर्व की, जहां से हम शुरू हुए थे वो एक्सप्रेशन दो फंक्शंस में था, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मैंने कुछ तो किया और ये पूरा एक्सप्रेशन अकेले साइन में आ गया, यस और नो, बस इतना बताओ, डू यू ऑल एग्री? हाँ सर कह सकते हैं। तो डू यू एग्री, ये एक प्रोसीजर माना जा सकता है जिसमें मैं साइन और कॉस वाले एक्सप्रेशन को अकेले साइन में लेके आ रहा हूं, अकेले साइन में लेके आ रहा हूं। ये स्टेप्स मैं समझाऊंगा कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बट अभी तो कह सकते हैं हाँ सर ये जो लिखा है लिखा तो ठीक है, पर्पज नहीं पता, बट हाँ सर कह तो सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब हमने यही पढ़ना है
कि कैसे हम ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को अकेले अकेले साइन की टर्म्स में ला सकते हैं या अकेले कॉस की टर्म में ला सकते हैं, ये पढ़ना है बेटा। टॉपिक समझ आ गया पढ़ने के वाले हैं? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को अकेले साइन में लेके आना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को अकेले कॉस में लेके जाना है। क्यों लेके जाना है वो तुम्हें सवालों में दिखेगा कि उसका फायदा क्या होता है। ठीक, तो आओ चलो पढ़ते हैं। यहां पे कुछ फॉर्मूले से लिखे गए हैं तुम्हारे लिए, इन्हीं फॉर्मूला को अभी हम थोड़ा तबीयत से देखेंगे कि ये बने कैसे हैं, इसका मतलब क्या प्रूफ क्या कि ये इसके बराबर है फलाना ठिकाना, अभी देखते हैं कैसे बना। राइट, आओ होता क्या है, एक ना चीज यार को बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं। अगर दो नंबर है, कोई दो नंबर मान लो, एक यू मान लो एक वी मान लो, ठीक है, अगर उनके स्क्वायर्स का सम वन है, अगर दो नंबर के स्क्वायर्स का सम वन है ना, तो उनमें से एक अगर साइन है तो दूसरा कॉस होगा। डू यू ऑल एग्री? अगर दो नंबर है जिनके स्क्वायर का सम वन है और उनमें से एक को अगर आप साइन अल्फा कह दो तो दूसरा पक्के से कॉस अल्फा होगा। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात, अगर ये साइन अल्फा है तो ये उधर गया, वी स्क्वायर बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर। अच्छा, अब इसी प्यारी चीज को यूज करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, डू यू एग्री, ये जो दो नंबर है, ये जो दो नंबर है उनके स्क्वायर्स का सम वन है, देखो जरा इन दोनों के स्क्वायर का सम, देखो वन आता नहीं आता, देखो जरा इनके स्क्वायर्स का सम, देखो वन आता है, करो जरा फटाफट करो। हाँ सर, ये बना ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कटेगा वन बन जाएगा। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब भी तुम्हारे पास ये दो नंबर होंगे तो उनमें से अगर एक साइन अल्फा है तो दूसरा पक्के से कॉस अल्फा होगा। इनमें से अगर एक साइन अल्फा है तो दूसरा पक्के से कॉस अल्फा है। किसी को दिक्कत तो नहीं अगर मैं ये लिख दूं कि अगर ये कॉस अल्फा है, कॉस बीटा कह देते चलो, तो ये पक्के से साइन बीटा होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं? राइट, तो बात है कि इसमें अगर एक साइन है तो दूसरा कॉस होगा, पहला कॉस दूसरा साइन होगा। अगर मैं इसको पी जाता हूं तो आओ सवालों में एक चीज दिखाऊं। ये पहला सवाल देखो, सॉल्यूशन पढ़ो, सवाल पढ़ो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। अच्छा भाई कर देते हैं, तो 3 साइन थीटा है प्लस 4 कॉस थीटा है। अब प्रोसीजर पे ध्यान देना। मैंने ए ले लिया 3 को और बी ले लिया 4 को और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना 3/5 साइन थीटा 4/5 कॉस थीटा, ये बन गया। कितने जने देख पा रहे हैं कि यार ये चीज जो है ये तो देखने में ए डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गई, देख पा रहे हो, ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गई, और ये जो है ये देखने में बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गई। तो भैया अगर ये देखने में ए डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पक्की बात है कि इनमें से एक साइन है दूसरा कॉस है। तुमने कहा कि यार इसको मैं कॉस कह देता हूं, मुझे एंगल नहीं पता, भाई गंदा सा वैल्यू है, तुम 37-53 बोलते रहो, तुमको फिजिक्स अच्छी लगती है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं नहीं यूज कर रहा, मैं अल्फा कह देता हूं, कोई एंगल होगा। पक्की बात है अगर ये कॉस कहोगे तो इसको साइन होना ही पड़ेगा, या सुन इसको अगर कॉस कह दिया तो उसको तो साइन होना ही पड़ेगा, अभी अभी आपको ऑब्जर्व करवा दिया। तो बेटा जरा देखो क्या बना, 5 साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा
ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 5 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अरे यही तो करना था, पूरे को अल्फा साइन में तो लेके आना था, साइन में ले आए, राइट? एग्जैक्टली। पर एक बात बताओ, किसी ने मुझसे पूछा सर ये अल्फा है कितना, ये अल्फा है कितना, तो मैं कैसे बताऊंगा अल्फा कितना है? मैं कह दूंगा अल्फा एक ऐसा एंगल है जिसके लिए कॉस अल्फा ये है और साइन अल्फा ये है, इसको जोड़कर ऐसा कह दूं, वेयर टैन अल्फा दिस डिवाइड बाय दैट 4/3 है। अगर किसी ने पूछ लिया कि अल्फा क्या है, तो मैं कह दूंगा अल्फा ऐसा एंगल है जो टैन अल्फा 4/3 आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम ये प्रैक्टिस है ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी एंगल बताना होता है हम टैन की टर्म्स में बताते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। कहता है इसको कन्वर्ट करो साइन में, तो मैंने कहा मेरा ए है 5, बी है 12, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 13। मैंने फटाफट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसे मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवाइड किया। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, मेरी इच्छा के मुताबिक ये जो दो कॉन्स्टेंट है ये साइन कॉस बन चुके हैं, क्योंकि मैंने इनको क्रिएट ही ऐसे किया है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं चाहता हूं इसको साइन में जोड़ना, तो पक्की बात है मैं यहां पे क्या चाहूंगा, टेल मी इन द चैट। अगर मैं चाहता हूं कि ये साइन का फॉर्मूला बन जाए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो मैं इसको क्या चाहूंगा, ये साइन बने या कॉस बने, मैं क्या चाहूंगा इसको? सर साइन चाहूंगा, तो इसको साइन अल्फा लिख दो। और ये मैंने पहले बता दिया, अगर ये दो नंबर आपने ऐसे क्रिएट किए हैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो अगर ये साइन है ना, ये ऑटोमेटिकली कॉस होगा, आपको चेक भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली कॉस होगा। तो बेटा बन गया फिर, तो ये क्या बन गया, 13 टाइम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी। किसी ने पूछा भाई थीटा बता, अल्फा बता दो कितना है, तो मैं कह दूंगा यार अल्फा एक ऐसा एंगल है जिसके लिए टैन अल्फा This divide by this 12/5 है। सर ये तो आपने साइन में जोड़ा, एक बार कॉस में जोड़ के भी दिखा दो सर, आओ कॉस में भी जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भूल गया मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि बिगिनिंग में बच्चे भूल जाते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस का, याद रखना। तो बेटा मैंने तो वही प्रैक्टिस की, ए को लिखा 3, बी को लिखा 4, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया और वो आ गया मेरे पास 5। इस नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब नाउ टेल मी इन द चैट, अगर मैं चाहता हूं कि ये कॉस का फॉर्मूला बने, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये साइन लिखा जाए या कॉस लिखा जाए, बताओ। अगर मैं इसको कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको साइन बनाना चाहता हूं या कॉस? साइन। सर जी साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। तो बेटा मैंने आपको ये पहले बता दिया, ये जो नंबर क्रिएट किए हैं ना, ये नंबर ही ऐसे हैं कि अगर एक को साइन कहोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कॉस होगा, ये नंबर ही ऐसे है। मान तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, तो 5 टाइम साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस में प्लस होता है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो थीटा माइनस बीटा। वेयर कोई पूछेगा कि एंगल क्या है, तो मैं कह दूंगा टेन बीटा इज इक्वल टू, भैया ये साइन है ये कॉस है, तो टेन क्या बना 3/4। पिछले में मैं उल्टा लिख दिया, मेरे को लग रहा है मैंने उल्टा लिख दिया था, कॉस बाय साइन लिख दिया मैंने। गॉट इट। मेरे को भी लिखते लगा कि यार पिछले में मेरे को कुछ देजा वू हुआ कि मैंने गलत लिख दिया, ये लो बिल्कुल साइन बाय कॉस। अब एक काम करो यार, अगला सवाल तुम कर दो, अब बनता तुम्हारा बनता, अब ये मेरा नहीं बनता, ये वाला बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, टेल मी इन द चैट किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अभी तुम बताओगे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें,
13 से ऐसे, चलो कर दिया। अब इसको मैं क्या कह दूं, इसको साइन कहूं या कॉस कहूं, इसको साइन बोलूं या कॉस बोलूं, इसको साइन बोलूं या कॉस बोलूं? सर जी कॉस बोलो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो है वो कॉस बनेगा। यस शुभम बोल तो कुछ भी सकते हैं, बट अगर मैं जोड़ना कॉस में चाहता हूं तो मैं यहां पे कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको कॉस कह देता हूं। अब अगर इसको कॉस कहा है तो ये ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। तो ये क्या बना, 13 कॉस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी। और कोई पूछेगा कि एंगल बताओ, ये बीटा एंगल क्या है, तो हम कह देंगे 12/5। तो जोड़ना तो आ गया, सारी टेंशन होगी खत्म। एक बार इसका जनरल प्रोसीजर भी लिख लेते हैं, मतलब जनरल ए बी के टर्म्स में, या तो नंबर देख रहे थे, एक जनरल ए बी के टर्म्स में भी लिख लेते हैं। आओ वापस चले। अब जरा मुझे तुम बताओ, यहां पे देखने में डरावना लग रहा है, मुझे पता है, इसलिए पहला मैं कर देता हूं, दूसरा तुम खुद समझना। कहोगे सर ये क्या डरा रहे हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो सुनो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे आगे ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, मैं उसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद तुम्हारे भाई ने तुमको बता दिया है कि तुम इसको अगर साइन कहोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉस बनेगा, इसको अगर कॉस कहोगे तो ये ऑटोमेटिकली साइन बनेगा। अगर मेरा पर्पस है कि मैं इस पूरे को साइन में जोड़ूं, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें ऐसा रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो जब मैं इसको साइन में जोड़ना चाहता हूं तो मेरी इच्छा है कि मैं इसको कॉस बोलूं, इसको कॉस बोल दो। अच्छा तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं कि अगर ये कॉस है तो ये साइन ही आएगा, एक प्रूफ करके दिखाऊं, ये देखो प्रूफ कर लो। अगर तुम इसको कॉस कहते हो तो तुम्हारा ये बेस होना चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तुम देख पा रहे हो, अगर ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है तो ये कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली पी आ रहा है, बी देख पा रहे हो, ऑटोमेटिकली बी आ रहा है। और अगर परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बी आ रहा है तो तुम ही बताओ ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया साइन अल्फा। कितने बच्चों को ये समझ आ गया कि अगर मैं इसको कॉस कहूंगा तो ये ऑटोमेटिकली साइन ही बनने वाला है। चैट में एक बार मेरा भाई हैशटैग VLOP कर दो, ताकि अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया मेरे को तसल्ली हो जाए। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, अगर ये कॉस कहेंगे ये साइन ही बनेगा। एग्जैक्टली और आगे तो आपने इसको जोड़ देना है, तो आगे तो क्या बन गया बेटा, बाहर था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंदर आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। एग्जैक्टली अच्छा उल्टा करके दिखाओ, उल्टा भी देखो, दोनों मैं कहता हूं यही पे निपटा देते हैं, उल्टा भी करो। ये लो उल्टा, मतलब इसको साइन की बजाय कॉस में जोड़ो। अच्छा सुनो, अगर तुम कॉस में जोड़ना चाहते हो, अगर तुम कॉस में जोड़ना चाहते हो तो तुम चाहोगे कि यहां पे कॉस आ जाए, या सुनो तुम चाहोगे यहां पे कॉस आ जाए, इसको कॉस बीटा बोल दो, मेक इट कॉस बीटा, मेक इट कॉस बीटा। ट्रायंगल में साइन, मेक इट साइन बीटा, इसको साइन बीटा बोल दो, इसको साइन बीटा बोल दो। बेस क्या, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तुम देख पा रहे हो बेस ऑटोमेटिकली बी आएगा और ये ऑटोमेटिकली कॉस बन जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉस बन जाएगा। सो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे दो खूबसूरत नंबर हैं जिनमें अगर एक को साइन बोलोगे दूसरा ऑटोमेटिकली कॉस बनेगा, एक को कॉस बोलोगे दूसरा ऑटोमेटिकली साइन बनेगा। नजारे आ गए, और यही चीज यहां पे लिखी गई है। सो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को जब भी साइन में जोड़ना होता है ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है,
एंड एंड में ये मिल जाता है, इसको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट इज कि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, दो लाइन का तो प्रोसीजर है, एंड सिमिलरली आप इसको कॉस में जोड़ सकते हो। आ गया समझ? अब हमने ये जोड़ना तो सीख लिया, इसकी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, अब वो एप्लीकेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले कि हम इसको सवालों में और लगाएं, एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन है। लेट मी जस्ट सी कि मैंने वो क्वेश्चन एप्लीकेशन का पहले रखा है, पहले एक दो एग्जांपल और रखे हैं। लेट मी जस्ट सी, नहीं एक एग्जांपल और है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन, इसके बाद इसको एप्लीकेशन एक और है, बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है, वो सिखाता हूं। पहले इस सवाल पे आओ, ये सवाल पढ़ो, इसमें अभी इसका यूज होगा जो आपने भी सीखा है। शाबाश, अब सुनो, कहता इवेल्युएट दिस क्वांटिटी रूट थ्री कोसिकन 20 माइनस साइन 20, इनमें से किसके बराबर है। सुनो, अब ऐसे तो कुछ सुंदर लग नहीं रहे, मैंने साइन कॉस में तोड़ा, ये बना रूट थ्री बाय साइन 20 माइनस वन बाय कॉस 20। सच ही बताओ, अगर ऐसा एक एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है और तुम उसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, एलसीएम ही लोगे ना, और तो कुछ ले नहीं सकते। तो लेट्स टेक एलसीएम, एलसीएम ले लिया, साइन 20 कॉस 20, ये इधर आ गया रूट थ्री कॉस 20 और इधर आ गया साइन 20। बेटा अब ना इस चीज को इतना ज्यादा पी जाओ कि पूछने की हद नहीं, मूवमेंट मेरे को ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा ए साइन प्लस बी कॉस, ए कॉस माइनस बी साइन, मतलब कि साइन और कॉस बैठे हैं प्लस माइनस में, फटाफट उसको जोड़ दो, फटाफट उसको जोड़ दो, सवाल खत्म हो जाएगा। आओ इसको जोड़े साइड पे, यहां पे करके दिखा रहा हूं, रूट थ्री कॉस 20 माइनस साइन 20। भैया मेरा ए कितना है, रूट थ्री, और बी कितना है, वन, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया टू। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसको, 2 रूट 3 बाय 2। अब तुमने आंसर निकाल दिया तो अब ये भी पूछना नहीं बन रहा कि मानते नहीं मानते। बेटा ऑब्वियस ही बात है, नीचे मुझे साइन 20 कॉस 20 दिख रहा है, ये मेरे को फीलिंग दे रहा है साइन 40 की, यस और नो? ये फीलिंग दे रहा है साइन 40 डिग्री की, यस और नो? हाफ साइन 40, टू साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं उसको साइन में जोड़ना चाहूंगा ताकि कट और कट, उसको साइन में जोड़ना चाहूंगा, तो जोड़ो साइन में उसको। साइन में जोड़ने के लिए रूट थ्री बाय टू को क्या बोलेंगे, साइन में बोलेंगे, साइन में, साइन ए कॉस बी, साइन 60 कॉस 20, ये अपने आप दूसरा बन जाएगा कॉस 60 साइन 20, तो ओवरऑल बन गया साइन ऑफ 60 माइनस 20 और सवाल हो गया खत्म, यस और नो? इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 40 अपॉन 1 बाय 2 साइन ऑफ 40, कट कट इक्वल टू 4। आइडिया समझ आ गया? गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश हो, सबको आइडिया समझ आ गया। आइडिया ये है, तो आपको ए साइन प्लस बी कॉस जहां दिखे उसको जोड़ने की जरूरत, जैसे भी महसूस हो फटाफट जोड़ दो, टाइम नहीं लगाना। और अब ये एक बहुत तकड़ा एप्लीकेशन है ए साइन प्लस बी कॉस का, जो कि मैं समझाता हूं आपको। पहले सुनो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही चीज है ना? अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात, रूट रूट छोड़ो यार, मैं कहता हूं रूट छोड़ो, एक बात बताओ, फाइव, ओ यार ये ना बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, फाइव साइन थीटा कहां से कहां लाई करेगा, टेल मी इन द चैट, फाइव साइन थीटा कहां से कहां लाई करेगा। इट्स मी तुषार, इट्स मी अरविंद कालिया सर, अरविंद सर टू तुषार, बेटा साइन 20 कॉस 20 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2 साइन 20 कॉस 20 को लिखा साइन 40, ठीक है, माइनस 5 से 5, बिल्कुल सही बात। सर जी साइन थीटा जो है वो माइनस 1 से 1 होता है, आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा
5 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा कहां से कहां होगा? 5 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा कहां से कहां होगा? अब बोलो. स्टिल माइनस 5 टू 5. सर जी ये तो एंगल ही तो है, एंगल जैसा मर्जी है वो साइन है ना, तो साइन माइनस 1 के बीच में रहने वाला है. एक बचन लिख दिया 0 से 1 में पिटाई कर देनी है. साइन 2 थीटा राइट, एंगल जो मर्जी है साइन है ना. अच्छा 5 टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा ये कहां से कहां में लाई करेगा? 5 टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा ये कहां से कहां लाई करेगा? ओके भव्या. सर सेम, सर जी एट द एंड ऑफ डे ये साइन है, साइन माइनस 1 से 1 में रहेगा, एंगल जो मर्जी लेते रहो. एग्जैक्टली. तो बेटा अब जरा समझो इस पॉइंट को. अभी अभी आपने, यार मेरे को ना बिल्कुल 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 समझ नहीं है. अभी अभी आपने ये जो एक्सप्रेशन देखा था, आपने जब इसको जोड़ा था साइन में तो ये ऐसा बन गया था. यस और नो? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा या साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा ऐसा बना था जब हमने इसको साइन में जोड़ा था. अब तुम मुझे बताओ ये चीज कहां से कहां लाई करेगी, ये चीज कहां से कहां लाई करेगी? एग्जैक्टली देते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल. माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया बेटा. ये इसी की वैल्यू तो है. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी लाइक करता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में भी आएगा, जेई में भी आ चुका है. एग्जैक्टली. और इसके अराउंड हम इतना खेलने वाले हैं कि तुमको मजा आ जाएगा. ये तो मैंने सिंपल रिजल्ट बताया, अभी इसकी देखना कैसे मैं पूछूंगा, घुमा घुमा के पूछूंगा. आओ तुमको घुमा घुमा के पूछूं. यहां पे आओ, ये सबसे आसान सवाल. सर जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्स और मिन वैल्यू पूछी गई है. सर जी यहां पे ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो मैं तो सीधे रिजल्ट लगाऊंगा. इट लाइज बिटवीन माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2, मैक्सिमम वैल्यू रूट 2. कुछ बच्चों का यहां पे एक छोटा सा भ्रम टूटा होगा, कुछ का पक्का, कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना 2 आएगी जब साइन और कॉस दोनों 1 1 बन जाएंगे. इसकी मिनिमम वैल्यू -2 आएगी जब साइन और कॉस दोनों -1 -1 बन जाएंगे. कुछ का एक छोटा सा भ्रम टूटा होगा. तो पहली बात तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू -√2. सर मैक्सिमम वैल्यू 2 क्यों नहीं आई, मैक्सिमम वैल्यू 2 क्यों नहीं आई जब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 क्यों नहीं आई? क्योंकि बेटा जब ये 1 बनेगा एट सेम एक्स ये 1 नहीं बन पाएगा. एक चीज देख रहे हो, दोनों में एंगल सेम है, दोनों में एंगल सेम है. जब ये 1 बनेगा उस समय ये 1 बन ही नहीं पाएगा. ये 1 बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे और ये तो 90 पे 0 बन गया. पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो जिनका ये भ्रम था तोड़ दो, आ जाओ आगे चले. अगला सवाल ये आ गया. मैंने फिर देखा इस पूरे की मैक्स मिन पूछी है. मैंने लगाया दिमाग, या टू को छोड़ो पहले इसको स्टडी कर लो, क्योंकि ये जो चीज है ना ये मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट पता है, ये मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट पता है, डायरेक्ट रिजल्ट पता है. तो ये लाई करेगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है -5 आने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू 5. बट आपसे सवाल में यह पूछा गया था क्या? नो सर, मुझसे सवाल में दिस प्लस 2 भी पूछा गया है. तो जब एक वैल्यू -5 से 5 में लाई करती है और तुमने उसमें 2 ऐड कर दिया तो इधर भी 2 ऐड हो गया और उधर भी 2 ऐड हो गया. तो मिनिमम वैल्यू -3, मैक्सिमम वैल्यू 7. शाबाश, सही जवाब दे रहे हो बच्चों, मन के सच्चो.
अच्छा अभी खेलना चालू रहेगा, अभी और खेलेंगे इसके साथ। अगला देखो, अब मॉड लगा दिया, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम गलती ना करो, ओके कोशिश कर रहा हूं कि तुम गलती ना करो। लेट मी गिव यू सम हिंट फर्स्ट। आपको मॉड एक्स का ग्राफ याद होगा, ओके अगर मेरा एक्स माइनस टू से लेकर टू तक जाए, अगर एक्स जो है माइनस टू से टू तक जा रहा है, तो एक्स का मॉड कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स का मॉड कहां से कहां तक जा रहा है, जरा सोच के बताना। अगर मेरा एक्स माइनस टू से टू तक है, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ मॉड कहां से कहां तक जा रही हैं? कहां से मतलब है कि मिनिमम क्या आ रहा है, मैक्स क्या आ रहा है। शाबाश, सबने एक ही आवाज में बोला, बिल्कुल सही सर, जीरो से टू जा रहा है। ये इसका मॉड टू था, वो कम होता 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 जीरो पे आया, फिर बढ़ता 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 टू पे गया। तो जब मेरा एक्स इनपुट माइनस टू से टू है, तो उसका मॉड जो है जीरो से टू है। अब इसको दिमाग में रखना और इसका जवाब दो। जहां तक तो 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा की बात है, ये लाइक करेगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इस पे तो कमेंट किया, अब मुझे इसका मॉड देखना है। अब अगर एक चीज जो है वो माइनस 13 से प्लस 13 के बीच में है, तो उसका मॉड कहां से कहां लाइक करेगा, उसका मॉड कहां से कहां लाइक करेगा। आई शाबाश, 0 से 13, 0 से 13। आगे नजारे, ओए सो हैप्पी, एक बच्चे ने भी गलती नहीं की। और तुम 11वीं के बच्चे ही हो ना, या चैट बताओ कौन सी क्लास के बच्चे हो, वरना इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। ओए कौन सी क्लास के बच्चे हो तुम लोग, सालो इधर से घूमते तो नहीं आ गए, 12th के सीनियर सर तो नहीं आ गए, 11th के बच्चे हो ना मेरे प्यारे प्यारे, पता था मैं 11th के मुताबिक पढ़ा रहा हूं, बैठे हैं 12th के बच्चे, 21 के बच्चे, 11th की है ना, फिर ठीक है। ओके अब ये सवाल आ गया, अब इसका जवाब तुम दो। मैक्सिमम बच्चे 11th के हैं, दो तीन बच्चे 12th के और 10th के भी हैं। चलो इसका जवाब तुम दो फिर, लेट मी सी इस बार तुम फंसते हो जाल में या नहीं फंसते, जानी जवाब दो। एक बच्चा कहता है 12th प्लस, टीचर तो नहीं हो। माना तुम्हारा भाई जो है वेदांतु पे कुछ टीचर ट्रेनिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, आई डू कॉन्ट्रीब्यूट इन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, बट YouTube पे अभी शुरू नहीं किया मैंने। ओके, तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे 12 से 25। आओ देखें, सर ये जो पार्ट है ये तो आपने अभी अभी करवाया, ये अभी अभी किया हमने, कि ये चीज जो है ये तो लाइक करती है 0 से 13 के बीच में। अब अगर मैं इस पूरी चीज में 12 ऐड कर रहा हूं, तो मिनिमम वैल्यू 12 बन जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 25 बन जाएगी। मेगा बच्चों बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक चीज 0 से 13 है, तुमने उसमें 12 ऐड कर दिया, तो 12 से 25 चला गया। बिल्कुल, अब बच्चों ने डिटेल करके दिया, डिटेल करके 12 प्लस 13 0 प्लस 12। ओके, तो एक काम करो, ये बताओ फिर, अब इसमें तोते उड़ेंगे बेटा। लेट मी सी, बिना हिंट दिए तुम पकड़ते हो या गलती करते हो। इस बार मैं हिंट नहीं दे रहा। ये चीज मुझे पता है, इट लाइज बिटवीन माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया 10 और प्लस रूट ए स्क्वायर 10, और मुझे इसका स्क्वायर पूछा गया। अब सोच के जवाब दो, अगर एक चीज माइनस रूट 10 से रूट 10 के बीच में है, तो उसके स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हो, इसके स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हो? यार तुम खेल तो नहीं रहे मेरे साथ, सिर्फ एक बच्चे ने गलती की है जो नॉर्मली बहुत बच्चे करते हैं, बाकी सबने सही जवाब दिया है। ओए तुम पक्का ना ये तो पढ़ के आए हो, कोई और सेशन देख के आए हो, वरना यहां पे तो बहुत बच्चे गलती करते हैं नॉर्मली। 0 से 10, सिर्फ एक बच्चे ने गलती से बोल दिया 10 से 10, उसे सीधे स्क्वायर किया, बाकी सबने सही किया यार। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं सर नहीं पढ़ के आए कहीं ना, क्या बात है, अगर पढ़ के भी आयो तो भी बुरी बात नहीं बेटा, सीखना ही है, जहां से मर्जी सीखो। ओके, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो आपको जहां जहां सीखने को मिल रहा है सीखते रहो, और आप सीख कर ऐसे जवाब दे पा रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर इसी वक्त देख कर सोच कर जवाब दे पा रहे हो इतना सही, देन तो वेरी 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 गुड, बिलीव मी बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। ओके ग्रेट, गॉड ब्लेस यू, लव यू बेटा। बेटा अगर एक से मॉड वाला ही कंसेप्ट है बेटा, कि अगर एक चीज माइनस रूट टेन से रूट टेन है, तुम उसका स्क्वायर स्टडी करना चाहते हो तो थोड़ा ग्राफ से विजुअलाइज करो। अगर आपका इनपुट यहां से यहां तक जा रहा है, आपका इनपुट यहां से यहां तक जा रहा है, तो आउटपुट क्या है? यहां से शुरू होगा आउटपुट, वो घटता घटता जीरो पे आएगा, फिर बढ़ता बढ़ता यहां पे चला जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी, मैक्सिमम वैल्यू उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके शुभम। फिर इसका जवाब दो। अब मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया, इसमें सब कुछ मिक्स्ड है, सब कुछ ही मिक्स्ड है। चलो 30 सेकंड देता हूं, सोच के करो। इसमें सब कुछ मिक्स्ड है, बहुत चीजें मिक्स्ड है इसमें। तो अच्छा जल्दी मत करना, ये वाकई अच्छा है। सब कुछ मिक्स कर दिया, अंदर ऐड भी कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया, बाहर भी ऐड कर दिया। तो आराम से सोच के जवाब दो, आराम से सोच के। ये तो चलो हमको पता है, इसके आगे हमने दिमाग लगाना है, इसके आगे दिमाग लगाना है। ओके अरे, और 30-40 सेकंड ले तो लो, पहले लिख तो लो, ओरली लग जाते हो फटाफट जवाब देने। बट आई एम वेरी हैप्पी कि शुरू तुमने सबसे सबसे टू से किया है। ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल सही नहीं है? ओए नहीं भाई, नहीं, टू से शुरू नहीं होना, गलत है। तप, 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 गलती करके ना, तभी कहता हूं जल्दी मत करो, आराम से करो। वो तुम्हारा भाई तुमको टाइम दे रहा है, टाइम लो इस चीज पे, टाइम लो। अच्छा सवाल है, टू से शुरू नहीं होगा इस बार, टू से शुरू नहीं होगा। अंदर ये प्लस वन भी देखो, नहीं टू से शुरू होगा, टू से शुरू होगा, अरे टू से शुरू होगा, अरे बिल्कुल सही, टू से शुरू होगा। ओ यार तुमने फटे चुके हुए, हालांकि वेरिएशन आंसर, बट काफी बच्चे जो है सही जवाब दे रहे हैं। आओ अब मैं कर रहा हूं, आओ अब मैं कर रहा हूं, अब मैच करो कि तुमने सही किया या लुढ़क गए बीच में कहीं पे। काफी बच्चों के जवाब ना सही है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आओ तो सबसे पहले हमने इस पार्ट को देखा कि ये जो चीज है ना, ये मुझे डायरेक्टली रिजल्ट से पता है। फिर मैंने इसमें वन ऐड कर दिया, वन ऐड किया, वन ऐड कर दो भी पूरे में, माइनस फोर थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा प्लस वन सिक्स, वन ऐड कर दिया। अब इसकी मैंने स्क्वायरिंग करनी है, अब इसकी मैंने स्क्वायरिंग करनी है। अब सोचो एक चीज है, वो बना के भी देख लो, चाहे एक चीज है वो माइनस फोर से सिक्स तक जाती है, तो जब मैं उसके स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर इसका स्क्वायर 16 आएगा, फिर स्क्वायर काम होता होता जीरो बन जाएगा, फिर स्क्वायर बढ़ता 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 36 तक जाएगा। तो जब आपने स्क्वायर निकाले, सबसे छोटी वैल्यू जीरो आई और सबसे बड़ी वैल्यू 36 आई, वेरी गुड। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर वो आएगा जीरो से लेकर 36 तक। तो आपने जो 2 से 38 कहा था बिल्कुल सही कहा था। अब पूरे में 2 ऐड कर दो, पूरे में 2 ऐड कर दो, 2 दिस प्लस 2 38, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, छा गए। एक बार अपने नाम के आगे ओपी लिखी दो, आज एक बार अपने नाम के आगे ओपी लिखी दो। जब तक ओपी लिख रहा बता देता हूं, मेरे जो माइक्रो कोर्स का था वो बेटा थोड़ा एक हफ्ता डिले करना पड़ गया, वो जेई मेन एकदम से अनाउंस हो गया था, जेई 2021। तो एंड यू वेरी वेल नो कि तुम्हारे जो सुपर सीनियर है 2021 बैच वाले, इस समय उनको ज्यादा टाइम देना जरूरी है, तो इस समय थोड़ा सा फोकस उस पर हमने सेशंस का बढ़ा दिया है। अभी एक दो हफ्ते थोड़ा हो सकता है कि तुम्हारे थोड़े सेशन भी हल्के से कम हो, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं, दोनों मैनेज कर रहे हैं, उधर बड़ा सेशन भी चल रहा है 21 का पैरेलली, यहाँ पे आपका भी चल रहा है। वी आर ट्राइंग कि हम आपके मिनिमम सेशंस को कैंसिल करें, बट हाँ कहीं ना कहीं 2021 यू वेरी वेल नो कि इस समय उनका बहुत सीरियस टाइम चल रहा है, तो उनको टाइम देना थोड़ा जरूरी है समय। तो इस समय मेरा थोड़ा सा माइक्रो जो है थोड़ा डिले हो गया है, आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से जल्दी रखूं, बट हाँ 4-5 दिन हफ्ता थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, इट्स मी तो शार,
इट्स मी अरविंद भाई ओपी. बेटा तो शार्प मैं जानता तो हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम वही हो या कोई और. ओके आ जाओ बेटा, ठीक है आगे चलते हैं. आहा ओ ये प्यारा सवाल आ गया, खतरनाक खतरनाक. फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर भी लगा दिए, स्क्वायर वगैरह भी लगा दिए. बेटा आओ इसको भी देखिए आप. यस आदित्य एक चीज देखो यार, झूठ मत बोलना. जैसे ये दिखता है दिमाग में क्या आता है, पहला थॉट क्या आता है, सच्ची बताओ. जब भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखता है दिमाग में पहला थॉट क्या आता है, मानते हो साइन टू थीटा आता है, मानते हो. तुषार कह रहा है सर वही हूं. तो बेटा हिंट भी दो ना पहले, वही का वही कौन, हिंट दो आगे पहले. साइन टू थीटा, तो जैसे मुझे सिक्स साइन थीटा कॉस थीटा दिखा, इसको तो मैंने थ्री साइन टू थीटा लिख दिया. ये तो मुझे कोई दो राय लग ही नहीं रही थी, जैसे ही दिखता है दिमाग में पहला थॉट ही आता है. अच्छा एक कॉस स्क्वायर ये बैठा है और थ्री साइन स्क्वायर ये बैठे हैं, इसको वन प्लस टू साइन स्क्वायर लिख दूं, क्या कहते हो. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, इसको वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं. इसमें से एक इसमें ऐड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, बचा टू साइन स्क्वायर. हाँ जी चलो इतना कर देते हैं एटलीस्ट. तो ये बन गया प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, जो ये वन आया था उसको यहां पे लगा के थ्री कर दिया. तो ऐसा कुछ बन गया, सो फार ऐसा कुछ बन गया. यहां पे दिक्कत आ रही है बेटा, दिक्कत आ रही है, सुनो दिक्कत. दिक्कत क्या आ रही है यार, ये साइन टू थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज को दिमाग में रख लो, बहुत काम आने वाला है. यहां पर भी काम आएगा, ट्वेल्थ में भी काम आएगा. जब भी हम एक एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, राइट, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि सेम एंगल्स हो, सेम एंगल हो. क्योंकि अगर सेम एंगल होगा तो हम बेटर मैनिपुलेशन कर पाएंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल होंगे तो हमारे लिए देखना मुश्किल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. नो फर्स्ट मार्शियन, चेक योर कैलकुलेशन, गलत जा रहे हो बेटा. ओके डू यू गेट माई पॉइंट. तो हम सेम एंगल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुनो. मैं इसको लिख रहा हूं वन माइनस कॉस टू थीटा. मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि एंगल एंगल सेम हो जाए. ऐसा करने से एंगल भी सेम हो गया, पावर भी हट गई, एक्सप्रेशन मेरा प्यारा बन गया. एक्सप्रेशन बन गया माइनस थ्री साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वन और एड हो गया प्लस फोर. एंड डू यू एग्री, ये सवाल तुम ओरली कर सकते हो. अब ये सवाल तुम ओरली कर सकते हो, इसका आंसर बताओ इन द मीन टाइम. कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, उनका जवाब दे देता हूं. बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ये इतना जो पार्ट है वो कॉस माइनस थ्री साइन का होल स्क्वायर है. बेटा नो, वो तब होता अगर यहां पे नाइन होता, ये नाइन नहीं है थ्री है. ओके शाबाश, ये छा गए सारे. तो इस सवाल से सीखा क्या, पहले इसको टैकल किया, फिर देखा कि अगर टू थीटा है तो यहां पर भी टू थीटा ले आओ, टू थीटा ले आए. जैसे ही टू थीटा लेके आए ये एक्सप्रेशन बन गया स्टैंडर्ड जो मुझे देखना आता है. तो ये लाई करता है माइनस रूट टू से रूट टू में और प्लस किया फोर. तो ये लाई करता है माइनस रूट टू से रूट टू में, फाइनली एड कर दिया फोर. तो आंसर आ गया फोर माइनस रूट टू से लेकर फोर प्लस रूट टेन, रूट टेन, अच्छा नाइन है, सॉरी ओ थ्री था, थ्री था, थ्री था, मैंने थ्री नहीं देखा, सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री था यहां पे, माइनस रूट टेन से रूट टेन और फोर ऐड कर दिया, फोर ऐड कर दिया. तो फोर प्लस रूट टेन आ गई मैक्स वैल्यू, फोर माइनस रूट टेन आ गई स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है जी, ओके छा गए. वही तो, वही तो तुम देख रहे हो, ऐसे वैरायटी से खेल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तंग करते रहेंगे. ये देखो जेई मेन में ऐसे खेले थे, जेई मेन 2019 में ऐसे खेले. कंबख्तों ने यहां थीटा दे दिया, यहां पे थीटा माइनस पाई बाय सिक्स दे दिया, ले लो नजारे, फंस गए बच्चे. अब क्या करें, रिजल्ट को लगा नहीं पाएंगे. पहले तो एक्सपेक्ट करो यहां पे कि हम ये रिजल्ट नहीं लगा पाएंगे. एक बच्चे ने लिखा अमेजिंग सर जी, उसके बाद मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया. भाई इतना भी क्या बुरा लग गया ये सवाल, अमेजिंग लिखने के बाद वापस हटा लिया, ऐसा कोई करता है क्या यार. माना अच्छा सवाल आ गया, आ गया तो अब सवाल वापस ले जाओगे मैसेज को अपने. ओके सो थ्री कॉस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा माइनस पाई बाय सिक्स, वेरी गुड संतोष. अब यहां पे क्या करेंगे,
देखो मेरा एक ही इंटेंड है कि मेरे को तो एंगल सेम रखना है, तो मैंने साइन को ओपन कर दिया, कुछ बच्चों ने पकड़ भी लिया, वेरी गुड। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करो, साइन ए कॉस बी कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स रूट थ्री बाय टू माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ पाई बाय सिक्स। ऐसा करने से साइन थीटा और कॉस थीटा सिंगल सिंगल अलग अलग टर्म्स आ गए, जोड़ो तो कॉस थीटा के साथ क्या क्या है, एक थ्री है और एक माइनस हाफ है, तो थ्री माइनस हाफ कॉस थीटा। साइन थीटा के साथ क्या क्या, ओए ओए सॉरी 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 सॉरी, मैंने कहा बेटा पाप लगेगा मेरे को, इतना बड़ा पाप लगेगा कि भगवान बिना क्षमा जाएगा, ये बाहर फाइव भी तो बैठा हुआ है इंटू फाइव, वो फाइव मैंने लिखा ही नहीं था। अल तो बेटा क्या बना, कॉस थीटा के साथ क्या आया, थ्री माइनस फाइव बाई टू। ओके साइन थीटा के साथ क्या है, साइन थीटा के साथ है फाइव रूट थ्री बाय टू। और कुछ बचा, दैट्स इट, यही बन रहा है, एक कंफर्म कर दो, एवरीबॉडी कंफर्म, यही बना है ना, थ्री माइनस फाइव बाय टू यानी कि हाफ कॉस थीटा प्लस फाइव रूट थ्री बाय टू साइन थीटा। जस्ट कंफर्म मी इन द चैट, कैलकुलेशन फाइन है, बच्चे आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी। बी स्ट्रेट, आई एक्सेप्ट बी स्ट्रेट, मतलब कंप्लीटली आई एक्सेप्ट दैट। हाँ ठीक है मजे ले लो, पक्की बात है बीस ने ब्रेक लिया है बीच में छोटा सा, और ब्रेक लेके उन्होंने तुम्हें कहा जाओ कालिया सर से खेल के आओ। ओए जो बीस रेड करने आए वो तो ठीक है, जो बच्चे इस समय सेशन लगा रहे थे कुछ तो जवाब दे दो उनको, ओपी बीस्ट कर दो, बीस्ट ओपी, हम रेड नहीं करेंगे, हम बीस्ट ओपी कर देंगे, क्योंकि हम एडमिट कर रहे हैं कि इस समय बीस्ट जो लगा हुआ है ही इज जस्टिफाइंग द नेम एंड टाइटल वी हैव गिवन टू हिम दैट इज बीस्ट। बीस्ट ओपी कर ही दो एक बारी, मतलब इट्स अनमैचेबल, इट्स अनमैचेबल, आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी वर्किंग लाइक दैट डे एंड नाइट, एंड यू डोंट नो इट इज नॉट जस्ट द सेशंस दैट ही इज टेकिंग, ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन मेकिंग स्मॉल स्मॉल वीडियोज फॉर यू फ्रॉम लास्ट वन वीक। मेरे ख्याल से बीस्ट जो है ऑन एन एवरेज दिन में दो या तीन घंटे से ऊपर नहीं सोए है, एक्चुअली दिन में दो या तीन घंटे से ऊपर टोटल सोए ही नहीं है 24 घंटे में से, या तो वीडियोज बनाते जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए ताकि उनकी हेल्प हो सके, या फिर ये बड़े बड़े सेशन ले रहे हैं। बीस्ट ओपी तो बनता है, अनमैचेबल अनमैचेबल हार्डवर्क, गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप हम इस तरह से आप पे लगे रहे और तुम भी इसी तरह से मेहनत करते रहो और छा जाओ, शाबाश, लव यू ऑल एंड लव यू बीस्ट, उनको मेरी तरफ से लव यू कह देना बेटा, कि आई कंप्लीटली एडमायर एंड यू नो इवन आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, ये जो बड़े सेशन की जो एक वो खूबी है ना वो उन्हीं से हम सब में आई है, सो आई टोटली एडमायर हिम, ठीक है, अनमैचेबल, यस, आ जाओ। सो एक बार रीचेक कर लेते कैलकुलेशन फिर हम खत्म करेंगे, इसको ओपन किया साइन थीटा कॉस पाई बाय सिक्स परफेक्ट, माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाय सिक्स परफेक्ट, बाहर फाइव लगा हुआ था तो ये बन गया फाइव बाय टू, सब्ट्रैक्ट हो गया हाफ आ गया, बिल्कुल। तो पूछा क्या इसकी मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू क्या होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2575 बाय 4, तो ये आ गया रूट 76 है, ये तो रूट 76 बाय 4, मजा नहीं आया, रूट 76 बाय 2, ये 4 कट रहा है क्या 19 से, हाँ 4 कट रहा है 19 से, रूट 19, मजा आया बेटा, क्यों नहीं आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आ गया, एग्जैक्टली आंसर इज बी, रूट 76 बाय 2 है, वहां से 4 कॉमन आके कटेगा 2, आंसर आएगा रूट 19, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आ गया आंसर, प्यारा सवाल था, जेई मेन में आया था, छोटा सा खेल खेल गए, कंसेप्ट दिमाग में क्या रखना है, एंगल सेम होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ, कभी डबल एंगल यूज होगा सेम एंगल बनाने के लिए डबल एंगल, और कभी सिंपल कंपाउंड एंगल से ओपन करना होगा ताकि एंगल थीटा थीटा आ जाए, पर जब तक थीटा सेम सेम एंगल नहीं आएगा तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगाना। ओके अब अगली कैटेगरी बताओ, कितनों को याद है हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी हुई है, कितनों को याद है हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी हुई है अगली वैरायटी, बताओ कितनों को याद है, जिसमें मैंने एक ट्रिक सिखाया था सिर्फ तीन पॉइंट पे वैल्यू निकालो आंसर आ जाता है,
मैंने एक ट्रिक सिखाया था, सिर्फ 3 पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो आंसर आ जाता है। रियान बेटा थोड़ी देर वेट करो, मैं सेशन के एंड पे बात करता हूँ, ठीक है? याद है आई शावर, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। कॉस थीटा को टी बोला जाता है, टी आ जाता है -1 से 1 में, और क्वाड्रेटिक बन जाती है 2t² + t - 1। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू मैक्सिमम 3 पॉइंट पे निकालनी पड़ती है। वो 3 पॉइंट कौन से होते हैं? एक तो एंड पॉइंट f(-1) निकाल लो, f(1) निकाल लो। f(-1) क्या आ गया? 2 - 1 - 1 = 0। f(1) क्या आ गया? 2 + 1 - 1 = 2। जो तीसरा पॉइंट है वो होता है -b/2a। अगर इसके लिए -b/2a चेक करो, वो क्या आ रहा है? -1/2। अगर ये नंबर इन दोनों के बीच में आ जाए, जो कि आ रहा है, तो इस पे भी वैल्यू फाइंड कर दो, इस पे भी वैल्यू फाइंड कर दो। तो 2 × 1/4 = ½ - ½ - 1, तो -1। अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो मैक्स है, जो सबसे छोटा है वो सबसे मिनिमम है। तो दिस इज मैक्स, दिस इज मिनिमम। शॉर्टकट याद आया, हमने शॉर्टकट सीखा था 11th में क्वाड्रेटिक में भी। आई शाबाश, बिल्कुल आदेश। वो तो -b/2 तो चेक करना ही पड़ेगा। अगर ये बीच में आ गया इसके, तो इस पे वैल्यू निकालेंगे। अगर ये इसके बीच में ना आए तो वैल्यू नहीं निकालते। आओ फटाफट एक और देखो, यहां पे आ जाओ। पहली बात तो थीटा सेम बनाओ, जब तक थीटा सेम नहीं हमने कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे इसी को थीटा में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं। स्क्वायर होता तो इसको लिख देते 1 + cos 2θ/2। तो आ दो 2 cos²θ - 1 + cos θ + 3। तो मेरा ये बन गया 2 cos²θ + cos θ + 2। यही बना, बिल्कुल। तो cos थीटा को पुट किया t, तो ये बन गया 2t² + t + 2, और t आ गया -1 से 1 में। तो दो पॉइंट में तो वैल्यू निकालनी ही है। इधर निकाल देते हैं f(-1, f(1) ये तो निकालने ही है। f(-1) क्या आ गया? 3, और f(1) क्या आ गया? 5। अब आप चेक करोगे -b/2a कितना आ रहा है? -b/2a आ रहा है -1/2। भैया -1 से 1 के बीच में आ रहा है। रचित यहां फोकस करो, -1 से 1 के बीच में आ रहा है। अगर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, तो आपको इस पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, राइट संतोष, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया? -1/4 - 1/4 तो इसके अंदर ही आ रहा है अभी तक। तो भैया निकाल दो, इस पे भी वैल्यू निकाल दो। तो इस सबसे बड़ी जो आएगी वो मैक्स होगा, सबसे छोटी जो आएगी वो मिनिमम होगा। तो भैया f(-1/4) निकाल दो, कितना भी आ रहा है 2/16 - 1/4 + 2। इन तीनों में से सबसे बड़ा जो आ रहा है वो मैक्स है, सबसे छोटा जो आ रहा है वो मिनिमम है। किस किस को इसका लॉजिक याद है? शॉर्टकट का लॉजिक किसको याद है जरा बताओ, इस शॉर्टकट का लॉजिक किसको याद है? काफियों को याद है, अरे शाबाश। जिनको नहीं याद, डोंट वरी, इसके बाद लॉजिक भी रिवाइज करवा देता हूं। आओ, तो साइन थीटा को पुट किया टी, भैया साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो मेरा एफ टी बन गया t² - 4t + 1, और टी आ गया -1 से 1 के बीच में। तो पहले तो f(-1) निकाला, कितना बन गया भाई 6, फिर f(1) निकाला, कितना बन गया भाई 2 - -2, और फिर -b/2a चेक किया, -b/2a क्या आ रहा है इस बार? इस बार आ रहा है सर जी 4/2। ओहो, इस बार ये इसके अंदर नहीं आ रहा। अगर -b/2a इसके अंदर नहीं आया, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका मैक्स आ गया, ये आपका मिनिमम आ गया। शॉर्टकट थोड़ा सा रीजन भी याद करवा दो, करवाऊं शॉर्टकट याद, हल्का सा रीजन, हल्का सा बेटा, ये था रीजन। ऐसे आपको इसकी वैल्यू को स्टडी करना है, बट सिर्फ -1 से 1 इनपुट के लिए, सिर्फ -1 से 1 इनपुट के लिए, राइट? अब ये जो -1 से 1 है, अगर इधर लाइन किए
अगर इधर लाई किए तो देखो मिनिमम वैल्यू माइनस वन पे आती है और मैक्सिमम वैल्यू वन पे आती है। अच्छा अगर माइनस वन और वन दोनों इधर लाई किए तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन पे, मिनिमम वैल्यू वन पे। और लास्ट एक बच्चा बहुत पूछ रहा था कि सर माइनस डी बाई फोर ए कब आएगा इसमें, जब माइनस वन इधर हुआ और वन इधर हुआ। तो ध्यान से देखो जो ग्राफ बन रहा है उसमें मिनिमम वैल्यू यहां पे आ रही है जो कि माइनस डी बाय फोर ए होती है। तो जब माइनस बी बाय टू ए जो है वो माइनस वन के बीच में आ जाता है तो हमें एफ ऑफ माइनस बी बाय टू ए निकालना पड़ता है, बाकी दो केस में तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हल्का हल्का रिकॉल हो गया। जिसको इसके भी आगे थोड़ा और रिकॉल करना है प्लीज क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 3 था शायद, 3 को पूरा देख लेना और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। यस सर, ओ शाबाश। ये देखो एक बहुत प्यारी सी वैरायटी होती है, ये हम सेशन के एंड पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं आज। ये बड़ी प्यारी सी वैरायटी होती है इस सवालों की। पहला क्वेश्चन देखा तो मजा आ जाएगा, पहला क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा मजेदार है, दूसरे में फिर भी चलो थोड़ा लॉजिक है, पहला तो बहुत ही मजेदार है। कहता अगर ये 5 है तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन पढ़ लो ठीक भव्या बेटा, अगर आप पूछोगे कि माइनस डी बाई फोर ए क्या होता है तो इससे मेरे दिमाग में दो ख्याल आते हैं, दोनों अच्छे नहीं है। पहला ख्याल आता है कि आपने बेटा बिल्कुल ही कबाड़ा किया हुआ है, ऐसा मत करो यार, क्वाड्रेटिक खत्म किए कितना टाइम हो गया हमें, अभी तुम ये तो मत पूछो कि माइनस डी बाई फोर ए क्या होता है। और दूसरा ख्याल आता है कि आप पेड कैंडिडेट हो तो छोड़ो यार, क्यों टाइम खराब करते हो बेटा, राइट, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मजे से पढ़ने दो। बाकी अगर तुम पेड कैंडिडेट वाकई ही हो तो फिर काम हो गया बेटा, तुमने हमारे 5 सेकंड कर दिए खराब, ठीक है, अब आप आगे जाके कह देना पैसे वसूल हो गए, चलो आ जाओ। सो 3 sin theta + 4 cos theta 5 है, तो 3 cos - 4 sin पूछा गया है। ये एक फिक्स पैटर्न होता है सवाल का, सुनो इसमें जो करवाने लगा हूं वो एक फिक्स कैटेगरी है, अगला पार्ट जो है वो एक जनरल मेथड है, तो दोनों करेंगे। इस सवाल में ऑब्जर्व करो, जो वैल्यू मुझे चाहिए उसको कुछ कह दो, कुछ के कह देते हैं, मुझे के पूछा गया, राइट, के पूछा गया है। ओके भव्या नेवर माइंड बेटा, एंड आई होप आप भी माइंड नहीं करोगे। इन दोनों को स्क्वेयर करके ऐड कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर करके ऐड करो। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर तुम ओरली कर पाओगे जैसा मैं कर रहा हूं मेरे साथ साथ, पूरा पूरा करके तो लिख के कर ही लोगे, बट देखो क्या तुम ओरली कर पा रहे हो। इसको स्क्वेयर करो, इसको स्क्वेयर करो और ऐड करो। 9 sin² यहां से आएगा, 9 cos² यहां से आएगा, ऐड होके बनेगा 9 प्लस 16 cos² यहां से आएगा, 16 sin² यहां से आएगा, ऐड होके बनेगा 16 प्लस 2 into this AB 2 3 sin theta + 4 cos theta प्लस नहीं, अभी ओरली करना था। और कितनों को दिख रहा है प्लस 0 आएगा, कितनों को दिख रहा है प्लस 0 आएगा, ओरली करो कितनों को दिख रहा है प्लस, गेमिंग शाबाश, मैं भी लिखने लग गया था, लिखने की जरूरत नहीं थी। सो प्लस 2AB यहां माइनस 2AB पूरे का पूरा कट जाएगा, ये 2AB क्या बनेगा बेटा 24 sin theta cos theta और ये क्या बनेगा माइनस 2AB माइनस 24 sin theta cos theta एग्जैक्टली कट जाएगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके, पहली स्टेटमेंट स्क्वायर की, दूसरी स्टेटमेंट स्क्वायर की और ऐड कर दिया, तो 25 = 25 + k² तो k की वैल्यू आई 0। सर ये पता कैसे लगा कि स्क्वेयरिंग एडिंग करके इतना प्यारा आ जाएगा? देखो यार पता तो इसे लगा क्योंकि ये सवाल हमने पहले किए हुए हैं, मतलब मैंने पहले किया हुआ है तो मुझे पता है कैसे सवाल में काम आता है। सर फिर भी कोई पैटर्न तो होगा जहां पे आपने ऐसा सोचा? देख भाई एक तो इसका जनरल मेथड है जिसमें ये स्क्वेयरिंग एडिंग नहीं, एक प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा, अगले पार्ट में वही करवा रहा हूं। इन पर्टिकुलर अगर इसकी बात करो तो पैटर्न क्या होता है, ये जो कॉन्स्टेंट है दोनों ये इंटरचेंज हो जाए,
ये थ्री साइन है, देखो यहाँ थ्री कॉस है, यहाँ फोर कॉस था, यहाँ फोर साइन है, तो ये जो दो कॉन्स्टेंट ये इंटरचेंज हो जाए एंड प्लस का माइनस बन जाए। जब भी ऐसे दो एक्सप्रेशन आते हैं तो वहां पे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग अक्सर चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है। सो ए साइन बी कॉस थीटा, दूसरे में ए के साथ लगा दो कॉस थीटा और बी के साथ साइन थीटा और यहां पे माइनस। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है ना, इनके स्क्वेयर्स का सम बहुत अच्छा होता है, इनके स्क्वेयर्स का सम बहुत अच्छा होता है, इस करके यहां पे किया गया है। आप इस पैटर्न को याद कर सकते हो, बट स्टिल एक जनरल मेथड होता है। आओ एक जनरल मेथड सीखे बी पार्ट के थ्रू। यहां पे देखो वो शॉर्टकट नहीं लग रहा, देखो देख रहे हो पिछले वाला जो ऑब्जर्वेशन ये शॉर्टकट यहां नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे वो ए बी इंटरचेंज नहीं हो रहे, कुछ अलग सा अलग सी चीज है कुछ, तो यहां पे कुछ और हमें करना पड़ेगा। तो यहां हम सीखेंगे जनरल मेथड। आओ जनरल मेथड सीखो। तो ये लिखा नहीं है, ये शायद जेई में आया था यार, इसका बिल्कुल भाई बहन जेई मेन में आया था, बिल्कुल डिट्टो भाई बहन, मेरे ख्याल से यही था, पता नहीं, या तो बिल्कुल डिट्टो भाई बहन आया था। आओ इसमें क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है ना इसको वन कह देते हैं, टू कॉस थीटा। गिवन इक्वेशन में क्या करो, ऐसे है ना, एक एक को उधर ले जाओ, टू कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा। जैसे ही उधर लेके जाओगे स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करके तुम्हें देखेगा कि एक क्वाड्रेटिक बन रही है, एक क्वाड्रेटिक बन रही है। सर यहां तो अलग अलग आ रहे हैं, वो साइन है ये कॉस है, वो साइन है ये कॉस है, बेटा अलग अलग है, पर डू यू सी आप इसको साइन में लिख सकते हो, तो पूरा जो है वो क्वाड्रेटिक है साइन में। डू यू ऑल एग्री, पूरा जो है वो क्वाड्रेटिक है साइन में। ओए इधर फोकस करो। तो ये क्या बना, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। सब कुछ इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या तुम यहां से साइन थीटा निकाल सकते हो, टेल मी द चैट, क्या यहां से साइन थीटा निकाल सकते हो? हां सर साइन थीटा निकाल देंगे आराम से, या तो फैक्टर बना लेंगे या फॉर्मूला लगा दो जो तुम्हारा दिल करे। ठीक है आओ साइन थीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? फटाफट देखो 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 फटाफट देखो। सो हमने क्या किया, ऐसे चले यहां पे स्क्वेयरिंग करके साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बना ली, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बना ली। जैसे ही साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई, हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, 4 माइनस 4 साइन थीटा होगा, ओ 4 सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। यो हो तुम्हारा भाई मशहूर होता जा रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए। चलो थैंक यू बेटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3। चेक करो ये बन रहा है क्या, यही बन रहा है ना, अब ठीक है, सॉरी ठीक है, तो अब तो फैक्टर ही बन रहा है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस 3। तो यहां से 5 साइन कॉस आ गया माइनस 1 आ गया और ये पे आ गया साइन थीटा प्लस 3। देखो फैक्टर ये बन रहा है क्या, यही तो फैक्टर बन रहे हैं। नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, क्या हो गया मेरे को, आई डोंट लाइक दिस थिंग। एक तो ये ऐसा था, ये ऐसे ने तंग किया हुआ, मैं टी कह रहा हूं बेटा टी, ओके 5t स्क्वायर माइनस 2t साइन थीटा को टी कह रहा हूं, साइन थीटा को टी कह रहा हूं, ओके कुछ तो एस के चक्कर में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गए। प्लस 3t माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से 5t कॉमन टी प्लस, ओए चलो यहां से t कॉमन, तो अंदर बचा 5t प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन 5t प्लस 3, तो 5t प्लस 3 एंड t माइनस 1, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 3 बाय 5 और 1। साइन थीटा की दो वैल्यूज आ गई,
माइनस थ्री बाय फाइव और वन। अब चेक कर लो, अब कैलकुलेशन ठीक है यार, इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक, माशाल्लाह। अब ठीक है, ओके। तो बेटा तुम्हें लगता अगर साइन थीटा आ ही गया मेरे पास तो कॉस थीटा मैं निकाल सकता हूं, क्या कहते हो? अगर साइन थीटा मेरे पास आ ही गया है तो कॉस थीटा मैं इक्वेशन से निकाल लूंगा, मानते हो? ओके, अब कितनों को समझ आता है? कितनों को समझ आता है? थीटा अगर पाई बाय टू का मल्टीपल नहीं हो सकता तो साइन थीटा वन तो हो नहीं सकता। साइन थीटा वन कब होता है? पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू एंड सो ऑन, ठीक है? तो साइन थीटा को बनना पड़ा माइनस थ्री बाय फाइव। और अगर साइन थीटा तुम्हारे पास आ चुका है तो बेटा वन को यूज करके कॉस थीटा भी निकाल दो। साइन थीटा रखो यहां पे माइनस थ्री बाय फाइव, उधर चला गया तो टू कॉस थीटा आ गया एट बाय फाइव, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई फोर बाय फाइव। और अब तुम मुझे बताओ, वंस यू हैव कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, तो जो पूछा है क्या तुम वो नहीं बता सकते? सीधे बता सकते हो। मैं फटाफट इसको कंक्लूड कर रहा हूं जनरल मेथड को। जनरल मेथड क्या होता है कि गिवन जो इक्वेशन है ना, गिवन, उसमें से एक वेरिएबल को उधर ले जाओ और स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करती क्वाड्रेटिक बनेगी, जहां से तुम्हारे पास साइन थीटा की या कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक वैल्यू आ जाए, इक्वेशन में रख कर दूसरी वैल्यू भी निकाल दो। जैसे अब साइन थीटा आ गया था तो यहां रख के हमने कॉस थीटा भी निकाल दिया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा आ ही गए हैं तो यहां पे रख के आंसर निकाल ही दो यार, क्यों किसी की वेट कर रहे हो, आंसर निकाल ही दो, राइट? तो आंसर आ गया सेवन इंटू कॉस थीटा प्लस सिक्स इंटू माइनस थ्री बाय फाइव, दिस इज योर आंसर। पटाक छा गए, आंसर इज टू, बिल्कुल रिया कैंसर बीस्ट आर्मी रेड। यार अभी थोड़ी देर पहले तो रेड मार के गए थे, तुम फिर आ गए। यस, बीस्ट आर्मी ओपी, बीस्ट ओपी एंड यू ऑल आर ओपी, गॉड ब्लेस यू। सो इसके साथ आज का सेशन होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज को खत्म करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी जो है वो कल खत्म होगा। लास्ट का टॉपिक जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट सेशन मिस मत करना, ठीक है? यस, और 2026 की स्ट्रेटजी कैसे बता दे बेटा, बहुत दूर है अभी वो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहां पे असाइनमेंट नोट्स डेली अपडेट मिलते रहते हैं। सीबीटी मोड जो टेस्ट लेते हैं आफ्टर टू थ्री चैप्टर हम तुम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक भी यहीं पे शेयर किया जाता है। तो अगर अभी तक ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया फटाफट ज्वाइन कर लो, सेशन को लाइक करके जाना, जब तुम लाइक करते हो मेरे को बड़ी खुशी होती है। और अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तुम्हारी तैयारी यहाँ पे रेगुलर चलती रहेगी, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस कवर होगा एंड डीपीपी के टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड पीवाईक्यू खत्म होते हैं। इतनी जल्दी ना जाओ सर, यार आज का टॉपिक छोटा था, मेरे को भी लगा बड़ी जल्दी खत्म हो गया, टाइम क्या हुआ यार, एक टॉपिक छोटा था। ओहो, आज तो 30 मिनट में निपट गया काम। अपना में मैंने रिजल्ट देखा नहीं, मैं रिजल्ट देखता हूं अभी कि कल कितने बच्चों ने दिया है, मैंने देखा नहीं। जो पिछला टेस्ट था वो शायद 700 कुछ बच्चों ने दिया था, इतना मुझे याद है, नहीं वो 12th का था शायद, अच्छा भूल गया, मैं कल देख के बता, मैंने रिजल्ट नहीं देखा अभी, इस जो कल टेस्ट हुआ इसका, ठीक है? एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड, जैसे मैं कहता हूँ तुम शेयर करते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत बच्चों की हेल्प हो जाती है उस चक्कर में, जो शायद तुम अभी ऑब्जर्व ना कर पा रहे हो कि हेल्प हो रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अभी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे हम तुम्हारे साथ लगे रहते हैं वैसे ही और बहुत बड़ी टीम में बता दूं कि जो तुम पे एफर्ट मारती है ताकि तुम्हारे ऐसे रिजल्ट आए जो कि इंडिया में सबसे ऊपर रिजल्ट है किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। अगर हम जेई की बात करें, एवरी वन इन टू स्टूडेंट ऑफ वेदांतु गेट्स क्लियर्ड इन जेई एडवांस, क्वालिफाइज फॉर जेई एडवांस। 100 बच्चों का इस 18 बच्चों का इस बार जेई मेन में 100 परसेंटाइल है। यस एग्जैक्टली यार, एंड दैट इज द फिलॉसफी दैट वी फॉलो। मजा आएगा तो समझ आएगा, समझ आएगा तो मजा आएगा। एंड ऑफ कोर्स 20 प्लस टीचर्स इन मैथ्स, 20 प्लस टीचर्स इन फिजिक्स एंड अबाउट 30 प्लस टीचर्स इन केमिस्ट्री वर्क ऑन द स्टूडेंट्स।
to make that they get the ranks which I'm telling you about. Live classes ke through, post class content hard copy provide karke, fortnightly test lekar jahan pe test ka discussion hota hai, then 24/7 doubt app support rehta hai and class mein dual teacher model rehta hai. Right? एक पढ़ा रहे हैं, डाउट भी ले रहे हैं, बट एक ऐसे बैठे हुए जो सिर्फ डाउट ले रहे हैं. क्लास में बैठे होंगे, अलग से मैसेज नहीं करना पड़ेगा, क्लास में बैठे होंगे इन द चैट आप ही के सेक्शन में, सो दैट एक एक डाउट टेक केयर हो जाए. राइट, तो इस तरह से चलते हैं. इसी करके आपको वीआईपी का पार्ट बनाने का चांस दिया जाता है, बिकॉज दांतू नोस कि जिस तरह से इतनी बड़ी टीम आप पे लगी हुई है, इट इज बाउंड टू हैपन कि तुम्हारा अच्छा रैंक आने वाला है. ठीक. एंड जिन बच्चों को बिगनिंग मैंने कहा था मैं सेशन के एंड में बता देता हूँ कि लिंक कहाँ पे होता है, तो मैं लिंक आपको दिखा देता हूँ. सो ऑल दोस हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन दिस वंडरफुल प्रोग्राम ऑफ वेदांतु, जहाँ पे आपको इतनी बड़ी टीम आप पे काम करती है, वो उसको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत ना हो. ये तुम पॉज हो जाओ पहले, तुम्हारी ये गेम अपनी चलती रहती है यहाँ पे. ओके, कहाँ पे है? आप डिस्क्रिप्शन में आओगे, आपको यहाँ पे लिंक दिखेगा. ठीक है, जो आपने क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लेना कि 11th लिखा हुआ है, आप नीचे आ जाओगे. किसी को इसमें कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो. लाइट, क्लासिक एंड प्लस. लाइट में वो सारे फीचर होते हैं जो आपको तैयारी के लिए चाहिए. क्लासिक में एक फीचर ऐड हो जाता है, पोस्ट क्लास डाउट ऐप का सपोर्ट. एंड प्लस में एक और फीचर ऐड हो जाता है, पर्सनल मेंटर, जो कि डेडिकेटेडली आप पे लगेंगे, दिन रात आपकी टेस्ट को एनालाइज करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस, आपके डाउट्स भी लेंगे, आपको कंटेंट अगर एक्स्ट्रा चाहिए वो भी प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए शेड्यूलिंग करेंगे, आप पे चेक रखेंगे ताकि आप पढ़ो. ठीक है, तो आप इसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है. आप अगर प्रो लाइट लेना चाहते हो तो 54,000 इज अ टोटल फीस ऑफ 2 years राइट फ्रॉम टूडे टिल योर जेई एडवांस्ड. ठीक है, और इसको लेने के लिए आप 1 month ट्राई कर सकते हो पहले 2700 में, विच इज नथिंग. राइट, I will strongly insist कि आप 1 month जरूर try करो, क्योंकि I'm telling you, बताऊं तो एक ऐसा system है जो unmatchable quality देता है आपको, unmatchable quality. तभी तो आपको VIP का offer दिया जाता है कि भी guarantee हो कि आपका rank अच्छा आने वाला है. ठीक, so do come join बताऊं at least 1 month and see कि यहाँ पे long term track कैसा चलता है. आपको realize हो जाएगा कि this is something you required. वहाँ पे आप हमारे साथ interact कर सकते हो, आपको पढ़ाएंगे भी, आपके doubts की system बने होंगे, आपकी regular testing होगी, क्लास में आपके लीडर बोर्ड पे नाम आएंगे. एंड आई होप आप इतना अच्छा तैयारी करते रहोगे कि आपके टॉप रैंक भी आएंगे, जो कि आपके साथ साथ हम भी आपको तैयारी करवाएंगे, आपको पुश करते रहेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ते रहो. ठीक, सो बस यही पे आके आपको 2700 का पेमेंट करना होता है, यू बिकम पार्ट ऑफ वेदांतु. ठीक, जो बच्चे पूछ रहे मेरा माइक्रो, बेटा मेरा माइक्रो थोड़ा 5-6 दिन डिले हो गया, क्योंकि अभी वो जेई मेन के एकदम से डेट आ गया एंड थोड़ा फोकस इस समय कहीं ना कहीं 2021 के बच्चों को देना जरूरी है. वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि हम आपके सेशंस ना वो करें, कम करें. तभी तो देखो 2021 का सेशन भी चल रहा है, तुम्हारा यहाँ पे सेशन चल रहा है. ठीक है, बट कहीं ना कहीं वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि इस समय 2021 के बच्चे हैं, उनका फाइनल अपीयर है करना उन्हें अब थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट में. तो कहीं ना कहीं इस समय उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो हमारे यूट्यूब के बच्चे हैं, चाहे वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं. तो कहीं ना कहीं इस समय उन पर बहुत ज़्यादा फोकस है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज वहाँ जा रही हैं, जिस करके मैं अपना माइक्रो इमीडिएटली लॉन्च नहीं कर पाया. इच्छा मेरी यही थी कि मैं इस मंडे को आज से माइक्रो शुरू करना चाहता था, बट वो थोड़ा सा एकदम से मेन का डेट अनाउंस हुआ, इस करके थोड़ा डिलेड है. बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरा माइक्रो आने वाला है वो 1 shot वाला आने वाला है. आई एल बी कवरिंग 2-3 chapters 1 shot में, जो अभी हो चुके हैं, सो दैट अगर आपका बैकलॉग रह गया है, अगर आपने अभी कोचिंग ज्वाइन की और आप वहाँ से थोड़ा सा डर रहे हो, हिल रहे हो, थोड़ा दिमाग आगे पीछे हो रहा है, तो वो 1 shot जो है आपको मुड़ के ट्रैक पे ले आएंगे सारे का सारा. ठीक है, तो जो मेरे अभी आने वाले माइक्रो है वो होंगे 1 shot. ये हो सकता है कि वो हफ्ता डिले हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा एनर्जीज जी 2021 के बच्चों पर जा रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. राइट, आपके सीनियर्स हैं वो, तो उनको इस समय थोड़ा और एनर्जी की ज़रूरत है, सो दैट जिस पेपर की वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे वो अच्छा आउटपुट दे पाए. ठीक है, चाहे वो YT है, चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म है, दोनों पे ही कहीं ना कहीं उन पे बहुत एनर्जी लगाई जा रही है. ठीक है, कैंट लाइक यू. अपराना मुझे नहीं पता कि मैं कैंट हूँ या नहीं हूँ, बट हाँ वन थिंग इज फॉर श्योर कि मैं जो काम करता हूँ मैं मज़े से करता हूँ, एंड जो मेरे अंदर दिल में होता है मैं बता देता हूँ. मैं इस चीज़ की चिंता नहीं करता कि अगला मुझे सही परसीव करेगा या गलत.
मैं बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे शब्द उपयोग में लाए जाए जिससे अगला मेरी भावनाओं को समझ पाए, मेरी फीलिंग को समझ पाए। और आई बिलीव इन बींग असर्टिव, जो मुझे लगता है ठीक मैं बताता हूँ, जो ठीक नहीं लगता मैं वो भी बोल देता हूँ। एंड आई ऑलवेज डू वट आई फील इज राइट, एंड इम्पॉर्टेंट इज आई डू दैट, आई जस्ट डोंट कीप थिंकिंग कि दिस इज राइट आई शुड डू दैट, दिस इज राइट आई शुड डू दैट। नो, इफ दिस इज राइट आई हैव टाइम आई विल डू दैट एंड आई सर्टेनली डू दैट। दिस इज वन थिंग विच आई थिंक विच हैव हेल्प्ड मी कम टू दिस लेवल इन माई लाइफ। यस हमद, यस हमद जुनेद, यस बेटा जो मेरे माइक्रो आने वाले हैं वो वी प्रो एक्सक्लूसिव है बेटा, ओके दोज आर वी प्रो एक्सक्लूसिव। यस अपरा मैं रेगुलरली, और चलो 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 जाओ, गॉड ब्लेस यू, मजे करो जिंदगी में एंड खुश रहो। एंड कमजीत कौर आप भी बहुत खुश रहो बेटा, होप यू विल डू ग्रेट इन लाइफ एंड गेट अपॉइंटमेंट वेरी सून। Like that you are disappointed, so I hope you get appointment really soon. Chalo, bye bye, take care, love you all, khush raho, maze karte raho, seekhte raho, aur koshish karo ki apne aas paas doston ko bahut sikhao, doubts lene ki aadat daalo, apne group bana lo, taki aap ek dusre ko doubt poochho. I'm telling you the best way to learn is to take your friends doubt, okay? To apne doston ke group bana lo, 5-5-6-6, aur bolo ki roz apne jo doubt hote shaam ko group mein daal dein. और अपना स्पीड चेक किया करो कि पहले डाउट कौन सॉल्व करता है, एक टाइम फिक्स कर लिया कि इस टाइम पे हम डाउट डालेंगे और हम सॉल्व करेंगे। ट्राई दिस थिंग एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लव इट, बिकॉज इससे आपका अपना बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है? चलो बाय बाय बेटा, वेरी गुड आदेश, वेरी गुड, दैट्स व्हाट यू शुड डू दैट, वेरी वेरी गुड, ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।